तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर वेबिनार ऑफ माय एंटरप्रेन्योर। बहुत से लोगों को पता होगा कि आज क्या होने वाला है, लेकिन बहुत से लोगों को पता होगा नहीं होगा, या बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, या बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पिछले कुछ समय से हमारे माय एंटरप्रेन्योर्स को हमें फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे हमारे काम को, जानना चाह रहे होंगे कि ये करते क्या है, आखिर ये माय एंटरप्रेन्योर्स है क्या। मैं कुछ एक से दो मिनट लूंगा, सिर्फ एक से दो मिनट लूंगा, उसमें मैं आपको माय एंटरप्रेन्योर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आखिर ये माय एंटरप्रेन्योर है क्या। तो आप सभी लोग की स्क्रीन दिख रही होगी, आप लोगों के सामने स्क्रीन होगी, माय एंटरप्रेन्योर। माय एंटरप्रेन्योर के नाम में सब कुछ छुपा है, दैट इज मेकिंग यंग एंटरप्रेन्योर। अगेन एक छोटी इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई ओके ओके सभी का माइक ऑफ है, अगर किसी का ऑन होता है तो एडमिन को मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी का माइक ऑन रहता है तो प्लीज उसको निकाल दें। ओके, तो मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले एक छोटी स्टोरी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। मेरी स्टोरी है, दरअसल बहुत से लोग जानना चाहते हैं आखिर माय एंटरप्रेन्योर है क्या। बहुत लोगों को समझ में आया, लेकिन बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, लेकिन एक चीज समझ में आ गई, ये कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना चाहती है, और उसी उसी मिशन के साथ हम लोग स्टार्ट हुए हैं कि हम लोग आप लोग की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। तो दरअसल आज से तीन साल पहले की बात है जब मैंने 12th पास आउट किया, क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा आर्मी में है, अभी राइट टाइम आर्मी रिटायर है, तो मैं भी आर्मी में है। ओके, माय वॉइस नॉट अवेलेबल, क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी लोगों? तो मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, आपने देखा होगा जितने भी आर्मी बैकग्राउंड के लोग, जितने भी आर्मी जो आर्मी बैकग्राउंड से होंगे वो लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि बचपन से हमने आर्मी लाइफस्टाइल देखी होती है, बचपन से आर्मी लाइफस्टाइल, पापा का डिसिप्लिन, तो जब वो चीज हम देखते हैं आसपास हम उसमें ढलने लगते हैं, और वो चीज हमें बहुत पसंद आती है। कहते हैं ना हमारा एनवायरमेंट हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं भी चाहता था कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूँ, आर्मी में, कहते हैं मैं भी, मेरे पापा का भी सपना था कि मेरा बेटा भी आर्मी में जाए, उसके लिए मैंने, आपने सुना होगा एनडीए बोला जाता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी के एग्जाम्स होते हैं, तो मैंने क्या किया, 12th के बाद डेडिकेशन था, जज्बा था एनडीए निकालना है, तो पापा से बोल के मैंने एक साल ड्रॉप किया। पापा ने सपोर्ट किया, पापा ने कहा ओके एक साल ड्रॉप करता है, कर ले, मेहनत करे। क्योंकि क्या होता है जब कोई बच्चा बोलता है कि मेरे को करना है, तो कहीं ना कहीं पहले बाद में मान ही जाते हैं, बाद में ऐसे ऐसे मान ही जाते हैं, तो आप लोग माने, मैं ड्रॉप करने को मैं एग्री हो गए। मैंने एनडीए की तैयारी की, एनडीए की कोचिंग की, तो एनडीए की जब मैं तैयारी करता, रिटर्न की जब मैंने तैयारी की, तो तैयारी करते करते एक चीज हो गई थी, रिटर्न की तैयारी मैंने बहुत अच्छे से की थी, और रिटर्न के लिए मैं कॉन्फिडेंट हो गया था। दरअसल एनडीए में क्या होता है, तीन स्टेज होते हैं, पहला आप लोगों को पता होगा रिटर्न होता है, सेकंड होता है एसएसबी होता है जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, और तीसरा होता है मेडिकल। तो पहले स्टेज में बहुत कॉन्फिडेंट था कि अरे पहले स्टेज तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन बात यहाँ पे आ गई सेकंड स्टेज, बोला था सिर्फ 1% लोग इस सेकंड स्टेज को क्लियर कर पाते हैं, जिसे बोला जाता है इंटरव्यू सेशन। तो जब मैंने उसकी तैयारी की, तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नाम की चीज होती है, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है, ये होती क्या। तो जब इनमें वर्क करना स्टार्ट किया, ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप की, पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग मैंने कोर्सेज अटेंड किया, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप की, तो समय के साथ साथ करता रहा, लेकिन बाई चांस एनडीए नहीं निकाल पाया, एनडीए में क्लियर नहीं हो पाया, किसी कारण एसएसबी में जा नहीं पाया। तो पापा ने कहा अब क्या करेगा, पता नहीं उस समय क्या हो, मैंने कहा पापा मेरे को डीयू से पढ़ना है, और मैं डीयू आ गया, और डीयू से डीयू का एक कॉलेज है देशबंधु कॉलेज, तो वहां से जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहां से बस मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी, एनडीए ने मेरे को एक चीज सिखा दी थी, अगर आपने खुद को डेवलप कर लिया तो आप कुछ भी करो। ओके सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था वो, अभी आप लोग सभी लोगों की आवाज आ रही होगी। ओके, तो टॉपिक पे आता है, टाइमलेस नहीं करते। ओके, अगर आप लोगों को वॉइस में कोई दिक्कत होगी प्लीज मेरे को मैसेज में बताया, चैट बॉक्स में बताया। तो ऑफलाइन क्वालिटी में आया था, तो सारी ऑफलाइन क्वालिटीज हमारी लाइफ स्टाइल से, जो भी हम जिंदगी में जैसे भी जी रहे हैं, हर चीज हमारे कनेक्टेड है, मेरे को एक चीज समझ में आ गई। तो जब मैंने इस पर वर्क करना किया, खुद पर डेवलप करना स्टार्ट किया, मैंने डिफरेंट कोर्सेज अटेंड किए, तो ये चीज मैं समझ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता रहता है कि क्यों ना अगर हम ये चीज औरों को भी सिखाएं, क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें जिसे हमारे साथ साथ सभी लोग एक साथ डेवलप हो। कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, हम जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं हम उनके एवरेज होते हैं, बहुत कॉमन थॉट है, हर किसी ने सुना होगा, जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं हम उनके एवरेज होते हैं। तो आई स्टार्टेड, मैंने अलग अलग लोगों से कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट किया, बहुत फील्ड एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट करना किया, जिसमें से मैं कुछ लोग आपके सामने भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तेजी से बता रहा हूँ, शायद से आप लोगों को समझ में आएगा। तो उनके साथ जब मैंने कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट करने के बाद मेरे को समझ में आया, उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने कहा बहुत से लोग हैं, कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंडिया की नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर है, वहाँ के ट्रेनर है, ऐसे ऐसे लोग ने सपोर्ट किया। कहते हैं जब किसी चीज को, एक आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी चीज को
शिद्दत से सौ तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती। मेरे साथ भी वही हुआ, मेरे साथ भी हुआ, युवा बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ कनेक्ट होने लग गए, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा ओके हम लोग एक काम करते हैं कि ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं जिससे हम लोग यूथ को जितने भी यंगस्टर उन्हें हम एडवाइस कर सके, उन्हें हम गाइड कर सके, उन्हें हम प्रॉपर मेंटरशिप दे सके। इसके लिए माई एंटरप्रेन्योर का गठन हुआ, माई एंटरप्रेन्योर बना। तो बेसिकली हम लोग तीन मोटो के साथ स्टार्ट हुए थे। कहते हैं हर चीज का एक मोटो होता है, जैसे ओके तो हर चीज का मोटो होता है। कोई भी चीज अगर स्टार्ट होती है एक मोटो के साथ स्टार्ट होती है। इंडियन आर्मी में अगर होंगे, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। वैसे ही हमने भी तीन मोटो डिसाइड की, हम लोग तीन मोटो पे काम करेंगे। सबसे पहला हमारा मोटो होगा डेवलपिंग यू। डेवलपिंग यू का मतलब है कि हम आपको डेवलप करेंगे, आपके माइंडसेट को, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करेंगे। सेकेंड मोटो है हमारा हेल्पिंग यू। हेल्पिंग यू में क्या है कि आप खुद को कैसे चेंज कर सकते हैं। मेरे को कहा जाता है, बहुत से लोग जो यहाँ पे मीटिंग में होंगे वो लोग मेरे साथ कुछ कुछ ऐसे होंगे जो बचपन से जानते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बाद में जानते होंगे, लेकिन उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि मेरे में चेंजेस आए, मैंने खुद को इम्प्रूव किया। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो आपको चेंज करने में हम लोग मदद करेंगे, ये कम्युनिटी मदद करने के लिए बनी हुई है। और आप एक एंटरप्रेन्योर का जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए एंटरप्रेन्योर का मतलब सिर्फ लोग कहते हैं, लोगों को बस ऐसा लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करना, लेकिन एंटरप्रेन्योर का मतलब बहुत बड़ा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे क्योंकि अभी समय की कमी है। और तीसरा हमारा जो मोटो है वो मेकिंग यू। मेकिंग यू मीन सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या है, यहाँ जितने भी लोग अभी यहाँ, ये सभी लोग 18 प्लस है, बस कुछ ही होंगे जो 17 या 16 के होंगे, ज्यादा सब लोग 18 प्लस। और 18 के बाद अगर आप लोग छोटे होंगे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम लोग जब 10th में होते हैं, 9th में होते हैं, बोलते हैं 18, जैसे मैं 12 पास आउट होऊंगा कुछ ऐसा करूंगा जिससे अपना खर्चा खुद निकाल दूं। होता है सभी के अंदर कि कुछ ऐसा करने से मेरा खर्चा खुद का निकल जाए, मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता हूँ, या तो मैं कोचिंग पढ़ाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। बहुत लोग कॉमन आया होगा कि बच्चों को पढ़ाऊंगा, बच्चे मैं कोचिंग सेंटर खोलूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, अपना खर्चा निकालूंगा। अगर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो यस बोलिएगा प्लीज चैट बॉक्स पे। तो मेरे अंदर भी ऐसे आए थे सेल्फ डिपेंडेंट बनना, लेकिन क्या होता है हम लोग को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो हम लोग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे आप लोग को सेल्फ। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में मदद करेंगे ये तीन मोटो के साथ वर्क करती है माई एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी। ये मेरी प्रोफाइल है, ओके ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरा सॉरी एक लिंक है, मैं आप लोगों को अभी कहता था लिंक दे दूंगा। मेरी प्रोफाइल है प्रॉपर, इसमें मेरे सारे ये जितने भी आपको आइकन दिख रहे होंगे, आइकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी प्रोफाइल में चले जाएंगे। तो मेरी प्रोफाइल है, हम नेक्स्ट पे आते हैं, ज्यादा बात नहीं करते अपनी प्रोफाइल की। तो आज के स्पीकर, इस सेशन के कुछ स्पीकर्स हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं। मैंने कहा था जितने लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में पहले से स्टेबल है, कुछ ऐसे ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में पहले से वेल सेटल्ड है, वो लोग कहते हैं जो आप लोग को आके सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस कम्युनिटी का हिस्सा है, जो इस कम्युनिटी में बिना किसी, बोलते ना एक बिना किसी लालच के, जो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, उन स्पीकर को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन 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 प्लीज बैक, एक बार बैक करिए। सर जी बैक करिए, बैक करिए, बैक करिए। ओके तो ये स्पीकर के बारे में बात करता है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी भी दिमाग में आ रही है, मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, मजा आएगा। छोटी सी स्टोरी है, फिर हमें स्पीकर को सुनेंगे, स्पीकर को इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ ही स्पीकर है सभी में, क्योंकि एक घंटे का समय है और एक घंटे में हम सबको ला नहीं सकते, तो कुछ ही स्पीकर को हम लोग आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। वो आखिर कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे, क्योंकि माई एंटरप्रेन्योर बना है आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। माई एंटरप्रेन्योर का मेन मकसद है कि हम कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते। तो ये जितने भी स्पीकर सब आने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएंगे। ओके तो एक छोटी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। एक कैमल होती है, ऊटनी होती है, और कैमल का एक बच्चा होता है, ऊटनी और ऊटनी का बच्चा होता है। अब वो बच्चा जो होता है अपनी माँ से पूछता है कि माँ, माँ ये मेरी पीठ में उबड़ी क्यों है। आई डोंट नो उबड़ी को क्या बोलते हैं, एक उबड़ी पीठ में उबड़ी क्यों, आपने देखा होगा मेरे को बहुत भद्दा दिखता हूँ माँ, बाकी जानवरों की तरह ऐसा है नहीं, मैं बहुत भद्दा दिखता हूँ, ऐसा क्यों है माँ, मेरे को बहुत अजीब लगता है सर। तो कैमल की जो माँ होती है, ऊटनी जो होती है, वो रिप्लाई करती है, बेटा ये इसलिए है क्योंकि हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, हम लोग डेजर्ट एरिया में रहते हैं, वहां पे बहुत सूखा रहता है, वहां पे पानी की बहुत कमी है, इसलिए बनाया गया है ताकि हम एक टेम्परेचर एडेप्ट हो सके, हम लोग पानी को स्टोर कर सके, इस वजह हमारी उबड़ी तरह से बनाई गई। अब बेटा सेटिस्फाइड हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके जो हमें एक और सवाल आता है, बोलता है
माँ लेकिन मेरी ये जो पलके, हाँ पलके बोलते हैं, मेरी आईब्रोज इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? इतनी बड़ी बड़ी आईब्रोज है, कभी कभी तो मुझे देखो दिख भी नहीं पाता मेरे आगे क्या है, सामने से आंखों के सामने आ जाती है। फिर माँ जवाब देती है, बेटा हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, यहाँ बहुत गर्म है, यहाँ क्या होता है, यहाँ मिट्टिया है, यहाँ तेज हवा चलती है, तो वो जो रेगिस्तान की जो मिट्टी है हमारी आंखों में ना घुस जाए, इसके लिए भगवान ने, बहुत से लोग भगवान को मानते होंगे, बहुत से नहीं मानते होंगे, इसलिए भगवान ने हमारी पलके बड़ी की है, हमें इस तरह से बनाया गया है ताकि मिट्टी हमारी आंख में ना घुसे। तो इसे बच्चा सेटिस्फाइड हो जाता है। अब बोलता है, थोड़े बाद शांत होता है, फिर सवाल आता है कि माँ ये तो बताओ मेरी टांग इतनी लंबी लंबी क्यों है, इतनी अजीब से टांगे क्यों है? मेरे को बड़ा अजीब लगता है माँ, बहुत अजीब लगता है देखकर, औरों की तो ऐसी है नहीं। फिर से माँ रिप्लाई करती है, बेटा हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, हम लोग एक डेजर्ट में रहते हैं, वहां पे तूने देखा रेत कितनी अजीब है, वहां की वो चलने लायक नहीं, लोग चल नहीं पाते, हम लोग वहां पे प्रॉपरली चल सके, हम लोग लोगों को अपने साथ लेके जा सके, हम लोग वहां रह सके, इसलिए भगवान ने हमें ऐसा बनाया। बेटा फिर शांत हो जाता है। अब वो पूछता है, माँ मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, अगर भगवान ने हमें रेगिस्तान में रहने के लिए बनाया, अगर भगवान ने हमें रेगिस्तान में रहने के लिए बनाया तो भी हम लोग जू पे क्या करते हैं? समझ में आया आप लोगों को? मतलब सिंपल सी बात है, जिस कैमल को रेगिस्तान में रहने के लिए बनाया वो जू में मंद है, वैसे ही हमारे साथ भी आजकल हो रहा है, जितनी भी यंग जनरेशन है, हमें प्रॉपर, आई नो यहाँ पे जितने भी लोग अभी मीटिंग में है, सभी लोग कुछ ना कुछ टैलेंट है, हर कोई किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, हर कोई। अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे होंगे जो अच्छा सोच सकते हैं, कुछ ऐसे जो अच्छा लिख सकते हैं, कुछ ऐसे जो अच्छा बोल सकते हैं, या कुछ क्रिएटिव लोग हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के टैलेंट बहुत भरा पड़ा है, मैं टैलेंटेड लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि आपको प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है क्या, आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है जिसके लिए आप बने हुए हैं? तो देखिए बायो एंटरप्रेन्योर भी स्टार्ट हुए, अब हम कह नहीं सकते, लेकिन आई प्रोमिस यू, मैं इस बात के प्रोमिस करता हूँ कि हम लोग आप लोग सामने इतने प्लेटफॉर्म रखेंगे ताकि आप खुद को एक प्रॉपर आप लोग को प्लेटफॉर्म मिल सके, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सपोर्ट में, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर, लेकिन हमारे एंटरप्रेन्योर का यही मिशन है कि हम आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ पे अपने टैलेंट का आप यूज कर सकते। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, अब स्पीकर को इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले स्पीकर को जो आएंगे और आपके सामने कुछ ना कुछ वैल्यू पर 3 से 5 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखा के जाएंगे, शायद आप लोगों को सीखना है, तो इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले स्पीकर को, प्लीज। तो जो फर्स्ट स्पीकर है वो है डॉक्टर आशीष सांसन सर, ये इंडिया की जो नंबर वन कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोटा की, वहां की फैकल्टी है, ब्रेक थ्रू एजुकेटर है, करियर कोच है, इन्होंने मेंटर किया है, काउंसिल किया है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को, और आप लोग की इनकी प्रोफाइल आप लोग के सामने पीपीटी में दिख रही होगी। अब सर मैं आपको इनवाइट करता हूँ, सर आप आए और 3 से 5 मिनट ना, क्योंकि 1 घंटे का सेशन है, कुछ ना कुछ सर वैल्यू आ जा रही है मेरी। ओवर टू यू सर, ओवर टू हेलो, थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं सभी का स्वागत करता हूँ। हेलो डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर आशीष तचान, अ ब्रेक थ्रू एजुकेटर, मोटिवेटर एंड कैरियर कोच। बट सर एक मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, अजय सर सुन रहे हैं आप? हेलो हेलो अजय सर, यस सर यस सर यस सर ऑडिबल सर, यू सर ड्यू टू सम टेक्निकल इशू आई एम अनएबल टू स्टार्ट माय वीडियो सर, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था। मैं काफी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं मैं इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बार बार इसका जो आइकन है उसको टच कर रहा हूँ बट ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। और सर बस आप वैल्यू ऐड करें, कुछ ना कुछ सिखा के जाए हमें। कैन आई प्रोसीड विद विदाउट अ वीडियो सर? यस सर यस यू कैन यू कैन, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो हाय गाइस, जैसा कि मैंने बताया माय सेल्फ डॉक्टर आशीष सचान, ब्रेक थ्रू एजुकेटर, मोटिवेटर एंड कैरियर कोच, और थैंक यू सो मच, आप सबसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, और सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगा दोस्तों, और वेलकम ही ना सिर्फ वेलकम ही करना चाहूंगा बल्कि आप सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने अपने वैल्यूएबल टाइम जो निकाला है उसका, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आज टाइम मिलेगा, आज 1 घंटा हमें दिया है, तो कहीं ना कहीं आपने प्रूव किया है कि आपका जो माइंड सेट है वो बाकी
जो आपके कंपटीटर्स हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड है, चाहे आपके दोस्त है, आपके कंपटीटर्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट फॉरवर्ड है, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट जो है वो आपका प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, और आपने प्रूव किया है कि आप सबके सब एक लर्निंग एबिलिटी, एक ईगर जो होते हैं, यू आर ऑल आर ईगर टू लर्न समथिंग न्यू दोस्त। तो मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, एंड आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद सम रिसर्च प्रोडक्ट अर्लियर, बट सिंस टेन ईयर आई एम एन एजुकेटर। दोस्तों, एजुकेटर बनने का जो रीजन है, क्यों मैं एजुकेटर बना, एक डॉक्टर से एजुकेटर क्यों बना, उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। बट प्रेजेंटली आई एम एजुकेटर एंड आई एम शेपिंग द कैरियर ऑफ मैनी नीट एंड जेई एस्पिरेंट। नीट और जेई का एग्जाम आप समझते होंगे, आपने सुना होगा, जिसके थ्रू डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स बनते हैं ऑल ओवर इंडिया। सो आई एम शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द कैरियर ऑफ वेरियस नीट एंड जेई एस्पिरेंट with my team, and currently I'm working with the Kota's number one coaching institute. So, दोस्तों, आज इंडिया के अंदर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर जितने भी आपको टॉप मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज देखते हैं, टॉप मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे पढ़ रहे हैं। तो आज मैं खैर इसमें ज्यादा बात नहीं करता आपसे, क्योंकि आज मुझे बुलाया गया है माई एंटरप्रेन्योरशिप के प्लेटफॉर्म में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और अपना जो एक एक्सपीरियंस है, पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, बात कर रहे हैं हम, और वन मिनट तो आज बीइंग एन एजुकेटर, तो आज मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि जो आप हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा आपको, और एजुकेशन सिस्टम से रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, और मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा है, उससे कैसे हम कुछ ऐसी चीजें दे सकते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर सके। तो इंडिया के अंदर जैसा मैं बात करूं, वैसे तो सब जगह हमारा दो तरह का एजुकेशन सिस्टम होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे। दो तरह के एजुकेशन सिस्टम में, एक तो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हो गया और दूसरा हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हो गया। या मैं बात कर लूं एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, या दूसरा वाला जो होता है एक प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम होता है। तो आज जो बात हो रही है, या बात जो लोग ज्यादातर बात जो लोग करते हैं, वो एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। जैसा मैं भी जो जुड़ा हुआ हूँ, एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ। सोसाइटी में कहीं भी आप देख लो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, या सोसाइटी का कोई बंदा हो, वो सारे के सारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी डिग्री ले लो, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें पढ़ाई करना है, है ना। 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ते पढ़ते फिर कॉलेज, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी डिग्रियां, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, यही सलाह देते मिल जाते हैं लोग, PA बन कर लीजिए, MBA बन जाइए, लॉयर बन जाइए, ये सारी सलाह जो है हमें दी जाती है। बट नो वन कैन थिंक अबाउट द प्रैक्टिकल एजुकेशन। प्रैक्टिकल एजुकेशन के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, ज्यादातर लोग जो है फॉर्मल एजुकेशन के बारे में ही सोचते हैं। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन आप समझते होंगे, प्रैक्टिकल एजुकेशन क्या है? प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें बिना किसी बड़े टाइम इन्वेस्टमेंट के, या मनी इन्वेस्टमेंट के, या किसी बड़े किसी एफर्ट के, आपको अगर कोई छोटा सा स्किल सिखा दिया जाए और उस स्किल के बेसिस पे आप अर्न करने लग जाए, फटाफट अर्न करने लग जाए, और आप एक बेहतर इंसान बन सके, दैट इज द प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि देखिए, आज हम जो एजुकेशन लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें आगे चल के अर्निंग करना है और सोसाइटी में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। तो आज जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें कम से कम जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, 10 से 15 साल का टाइम लगता है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले दस सालों में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ड्यूरिंग दीज 10 ईयर्स जब से मैं एजुकेटर बना हूं, अगर मुझे ठीक से याद है तो आई हैव मोर देन 50,000 स्टूडेंट टू परस्यू देयर कैरियर इन द राइट डायरेक्शन।
दोस्तों करीब करीब 50,000 लोगों को जब मैंने स्टूडेंट्स को जब मैंने गाइड किया, कैटर किया, उनको कहीं ना कहीं टच किया, तो उनमें से एंड दे ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ नीट एंड जेई, दे आर नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स, और इनमें से पिछले तो मैं कह रहा था कि आउट ऑफ 50,000 स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों में जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया, वो अराउंड 5,000 to 6,000 के आसपास रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। तो फॉर्मल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये जो परसेंटेज अगर मैं देखूं तो करीब 0.1% जो लोग हैं, 0.1% जो स्टूडेंट्स हैं, वो इतनी टफ ट्रेनिंग के बाद या इतना 2 साल 1 साल जो कोचिंग करने के बाद जो सक्सेसफुल होते हैं वो अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एलिजिबल भर होते हैं। यू आर एलिजिबल ओनली टू एक्वायर देयर ड्रीम कॉलेज ओनली। तो अब देखिए, जैसे ही किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है, चाहे वो नीट के अंदर हो चाहे वो जीए के अंदर हो, तो उसे खुशी बहुत होती है। लेकिन जब मेरे पास आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा अभी तो ये शुरुआत है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको कॉलेज के अंदर जाना है। जब कॉलेज के अंदर जाएगा, अगर कोई डॉक्टर बनना है तो मिनिमम 5 to 6 years वहां पढ़ेगा, उसके बाद पीजी करेगा। अगर कोई इंजीनियर है तो बीटेक करेगा, फिर उसको प्लेसमेंट की जॉब की टेंशन हो जाएगी, कोई एमटेक करेगा। यानी इट विल टेक अराउंड 10 to 12 years टू सेटल डाउन। तो लोगों को लगता है कि भाई हम फॉर्मल एजुकेशन ले लेंगे, उसके बाद बड़ा लाइफ जो है ना बहुत सेटल हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं है। एक तो सक्सेस रेट जो है बहुत कम है, दूसरा जो लोग सक्सेस भी होते हैं उनको जब कॉलेज के अंदर जाते हैं तो रियल लाइफ जो कॉलेज की होती है या स्ट्रगल्स जो होते हैं वो वहां पे पता लगता है कि अभी तो आगे बहुत कुछ करना है, बहुत स्ट्रगल करना है। चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, एमबीए बने, लॉयर बने, कुछ भी करें, हर फील्ड में स्ट्रगल मिलेगा आपको। उसके बाद कहीं जाके ये 10 से 12 साल लगने के बाद कोई एक डिसेंट अर्न कर पाते हैं, अपनी लाइफ को सोसाइटी में एक वैल्यू दे पाते हैं और एक अपनी लाइफ को सेटल कर पाते हैं। तो इस तरीके का अपना जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का। वहीं अगर मैं प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करूं, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ध्यान दिला दूं कि ये जो कहानी भी मैंने बताई ये सिर्फ जो सक्सेसफुल लोग हैं 5 to 6,000 जो मेरी अभी तक की 10 ईयर की जर्नी में जो है वो सिर्फ 5 to 6,000 जो स्टूडेंट थे मेरे वो उनकी कहानी है। लेकिन अगर मैंने 50,000 में से 5,000 स्टूडेंट को सक्सेसफुल उनके ड्रीम को अचीव करवा दिया, उनके कॉलेज पर पहुंचा दिया, तो बाकी जो 45,000 स्टूडेंट जो अपने कॉलेज में नहीं पहुंच पाए उनका क्या? तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अगर मैं सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन के बारे में ही बात करता रहूं तो मैं उन 45,000 स्टूडेंट का उनका हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मेरे मन में मेरे विचार आया कि अगर कहीं प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए को बढ़ावा दिया जाए और अगर हम उन 45,000 स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ करें जो डॉक्टर, क्योंकि देखिए आजकल जरूरी नहीं है कि आफ्टर 12 हर कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। जैसे अभी अजय विक्रम सर ने बोला कि वो एनडीए के लिए उन्होंने प्रयास किया था बट ड्यू टू सम रीजन दे आर नॉट सक्सेस टू गॉट एडमिशन इन एनडीए। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने ड्रीम यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर या वट एवर जो भी वो चाहते हैं वो नहीं उसको उस डायरेक्शन में नहीं जा पाते। कहीं ना कहीं उनका जो लेवल है उस तरीके का, उस एजुकेशन लेवल को नहीं गेन कर पाते। तो उनके लिए हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, हम कोई ना कोई एक स्किल, एक कोई ना कोई एक ऐसी स्किल उनको सिखा दें अगर, जिस स्किल के दम पर वो फटाफट अर्न करने लग जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए और सोसाइटी में अपना नाम कमाए और अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें। तो मैंने भी सिर्फ इसीलिए आज मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ के और ये बेसिकली अपना जो माई एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है इससे जुड़ के मेरी यही कोशिश होगी कि एक प्रैक्टिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, एक इंफॉर्मेशन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, जिसकी वजह से, जिसके हेल्प से हम कुछ ना कुछ स्किल, कुछ ना कुछ वैल्यू एड कर पाए ऐसे लोगों की लाइफ में जो फटाफट सक्सेसफुल होना चाहते हैं बियॉन्ड द फॉर्मल एजुकेशन। वो नहीं चाहते क्योंकि देखिए हर किसी का आजकल ना हर किसी का माइंडसेट है, ना हर किसी का इतना इसके पास इतना टाइम होता है कि वो 10-15 साल लगाए और बड़ी बड़ी डिग्री ले उसके बाद फिर सक्सेसफुल हो। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को सक्सेसफुल होने के लिए, कैरियर में सक्सेसफुल होने के लिए बड़ी बड़ी डिग्री की जरूरत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये एक फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। जहां प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करें तो आप एक किसी छोटी सी स्किल को सीख के
अपने माइंड सेट को डेवलप करके भी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मेरा जो मेन एम है वो यही एम है, और हमारा जो अजय विक्रम सर ने बनाया है, जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपनी यही कोशिश होगी कि हम अपने जितने भी एसोसिएट्स हैं उनको स्किल सिखाएं, उनका माइंड डेवलप करें और उनको इनेबल कर पाए ताकि वो अपने अपने आप को एम्प्लॉयड कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, एक एंटरप्रेन्योर बन सके। जैसा कि अजय सर ने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं कि बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि बहुत किसी भी फील्ड की डायरेक्शन में, जहां भी आपको जो भी आपका पैशन हो, इट मे बी, जैसा कि अभी देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं जो मार्केट में चलती हैं। कोई ब्लॉगर बन सकता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में जा सकता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में जा सकता है, या और छोटी छोटी चीजें जो है, जो छोटी छोटी स्किल है, जो भी आपका पैशन हो, उन पैशन को फॉलो करने में, उन पैशन को अचीव करने में हम आपकी मदद करेंगे विद द हेल्प ऑफ माय एंटरप्रेन्योरशिप। और आपका जो भी फील्ड है उस फील्ड में, हेलो, यस सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, ड्यू टू टाइम प्रॉब्लम सर। हाँ, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आज कुछ बहुत ज्यादा नहीं, बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और एक अप्रोच दे रहा हूँ किस तरीके से ये जो माइंड एंटरप्रेन्योरशिप है कैसे काम करेगा। क्योंकि किसी भी फील्ड में देखिए, किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें काम आती है, ओनली थ्री थिंग्स, वन इज द माइंड सेट, सेकेंड वन इज द स्किल सेट, एंड थर्ड वन इज द टूल सेट। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन में भी ये तीन चीजें जो है वो बहुत काम की होती है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आपका स्किल सेट अच्छा है, आपके पास टूल सेट अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली ग्रो कर जाएंगे और माइंड एंटरप्रेन्योरशिप में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक चीज और है, एजुकेशन, राइट एजुकेशन एंड राइट एग्जीक्यूशन, आपको ट्रेनिंग भी आपको दी जाए और उसको एग्जीक्यूट करना भी सिखाया जाए, तो फिर बहुत बढ़िया बेटर कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि माय एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में टाइम टू टाइम हम आपको आके जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, और बहुत सारे स्पीकर है, वो हर एक फील्ड के एक्सपर्ट है। कोई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट है, कोई ब्लॉगिंग का, कोई अफिलिएट मार्केटिंग का, जो भी आपका पैशन है आप वो फॉलो कर सकते हैं, वो हमसे सीख सकते हैं, हमें आपको सिखाना बहुत अच्छा लगेगा और डेफिनेटली एक बेहतर जर्नी की तरफ हम सब मिलकर चल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अभी आज इतना ही कहना चाहूंगा और नेक्स्ट मिलता हूँ आपसे, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं अपने सेकंड स्पीकर को इनवाइट करता हूँ, और सेकंड स्पीकर जो हमारी है वो है मिस रुचिका मैम। मैम के बारे में मैम एक बार अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देंगी, और मैम प्लीज आप सभी स्पीकर से मेरी गुजारिश है, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है, हम लोग जितना हो सके कम समय में आप लोग जितनी ज्यादा वैल्यू एड कर सकते हैं, तो प्लीज इसका ध्यान रखें। तो ओवर टू यू मैम। थैंक यू अजय जी। मैं रुचिका मोदरे हूँ, और बेसिकली मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड रहा है। मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन आई वाज इन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन एन मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी इन पुणे। आई वाज देयर फॉर अराउंड 5 years। तो एज सच, जैसा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है, जब आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आपको कई सारे एम्प्लॉयज से जो है आपको मैनेज करना होता है, उनको डील करना होता है। तो आफ्टर दैट आई गो टू फॉर द लेबर लॉज ऑल्सो, ताकि मैं कंपनीज एक्ट को काफी अच्छी तरह से जान सकूं, वेजेस एक्ट है, फिर अपने जो कंपनी से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी हमारे लॉज हैं उनको मैं जान सकूं। तो इसलिए फिर मैंने अपना लेबर लॉ परस्यू किया। फिर आफ्टर माई मैरिज I was in home minister of my home. So, but still मेरा हमेशा से ये रहा है, क्योंकि मेरे family background में भी है कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो वुमेन है वो working है, वो कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा business या फिर service class से रही है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि after marriage की मुझे कुछ ना कुछ करना है, but I was not been able to find the right path, क्योंकि मेरा जो background रहा है उसमें जो था लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी था, और वो मेरा बहुत फेवरेट काम भी है कि मैं लोगों को बहुत अच्छी तरह से, नए नए लोगों से मिलना, उनके बारे में सीखना मुझे बहुत पसंद है।
So I was waiting for that, but after that just I got the opportunity to associate with Atomy और मुझे एक अच्छी mentorship भी मिल गई जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ ये जो जो मैं चाहती हूँ और जो मेरी skills हैं वो मैं उसको और अच्छी तरह से improve कर पाऊँ. साथ साथ में मैं ऐसा भी एक business ढूंढ रही थी जहाँ को जहाँ पे मैं अपने family के साथ साथ दोनों मैनेज कर पाऊँ. तो और जैसा कि और ये सब और ये डिलेमा मेरा अकेले का डिलेमा नहीं है, जो मोस्ट ऑफ द हमारी हाउसवाइफ हैं और जो लेडीज हैं उनका ये डिलेमा होता है. लेकिन उनको ये तो समझ में नहीं आता है कि हमें जाना किस तरह से, हमको करना क्या है. जनरली वो या तो फिर अपना छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, लेकिन उनमें ये होता है कि उनकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उसको कैसे डेवलप किया जाए वो उसमें समझ में नहीं आता. साथ साथ में लेडीज के साथ और वुमेन्स के साथ प्रॉब्लम ये रहता है कि उनका प्रेशर बहुत होता है, फैमिली का होता है, फिर सोशल प्रेशर्स भी होते हैं. उनको ये समझ में नहीं आता कि हम करें और कौन सी फील्ड में जाएं. जनरली शादी के बाद और हो जाता है और कई लेडीज तो इसके बारे में सोचना भी भूल जाती हैं कि हमको कुछ और भी करना चाहिए. तो आई वॉज लाइक कि अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के अगर मैं वुमन्स को इस तरफ इंस्पायर करता हूँ कि आप अपने घर के साथ साथ आप अपनी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी मैनेज कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, आप खुद की स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, आपकी जितनी भी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आपका जो भी ड्रीम है आप उसको कर सकते हैं, तो वाई नॉट. अगर मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भी अगर एक पर्सन वुमन्स को भी इंस्पायर करता है कि हमको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, हमको अपना खुद का बिजनेस करना है, हमको हमारे जो आसपास के लोग हैं उनका माइंडसेट चेंज करना है, तो मैं अपना बिल्कुल 100% देने की कोशिश करूंगी. क्योंकि जैसा कहते हैं कि अगर एक स्त्री अगर एजुकेट होती है, उसका माइंडसेट चेंज होता है, तो वो अपने आसपास के 5 घरों का माइंडसेट चेंज कर देती है और उनको एजुकेशन करने में, उनको एजुकेट करने में बहुत बड़ा हाथ करती है. क्योंकि अपने साथ साथ तो आने वाली 3 जनरेशन को, 3 से 4 जनरेशन का जो माइंडसेट है उसको भी करती है, अपना करती है, अपनी जो पहले वाली पीढ़ी है उनको भी. अगर उनको जब दिखता है कि हम हमारा जो माइंडसेट है वो हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो उनका माइंडसेट भी चेंज होता है, हमारे बच्चों का भी माइंडसेट चेंज होता है, और बच्चों का माइंडसेट होता है तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है. तो इसलिए मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर एक लेडी जो है अगर वो अपने माइंडसेट को चेंज करती है, अपने आप को एजुकेट करती है, अपनी स्किल्स को बढ़ाती है, तो वाई नॉट मैं अगर इसमें 1% भी कंट्रीब्यूट करके अगर उसमें कुछ चेंजेस ला सकती हूँ तो मैं बिल्कुल इसमें कंट्रीब्यूट करूंगी. और जितना भी मुझसे बन सकेगा, जितनी भी मेरी जो अब तक की एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड या मेरे सोशल नेटवर्क से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर उन एक्सपीरियंस से अगर कुछ लोग इंस्पायर होते हैं और अपने माइंडसेट को चेंज करने में अगर सफल होते हैं, तो व्हाई नॉट आई विल बी ऑलवेज देयर एंड आई विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस एंटरप्रेन्योर सोसाइटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच और जल्दी हमें आपकी मेंटरशिप मिलती रहेगी, आपकी ट्रेनिंग मिलती रहेगी. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू सो मच मैम. अब मैं नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करता हूँ. जो नेक्स्ट स्पीकर है उन्हें देख के मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि वो भी डिफेंस से बिलोंग करते हैं, वो भी डिफेंस से हैं. अभी वो एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं. तो उनका नाम नेम है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं जज जी. ओके, एम आई ऑडिबल? दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पर फ्रेशर्स है, मैं उनको एक चीज बताने वाला हूं कि ये लिंक इस कम्युनिटी का, माय एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी का लिंक बहुत से लोगों को भेजा गया था, बट उनमें से कुछ ही चुनिंदा लोग यहाँ पर आए हैं. और उसका कारण ये है कि आप लोगों में कहीं ना कहीं कुछ सीखने की इच्छा है, आप लोगों में कहीं ना कहीं कहीं कुछ आग है, इस वजह से आप यहाँ पर हैं. मेरा नाम रॉबिन छोकर है, मैं हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ. मैंने मेरी स्कूलिंग केवी स्कूल से की है और मैं इंडिया के कई स्टेट से अपना स्कूलिंग पूरा कर चुका हूँ, जैसे बैंगलोर, अंबाला, आसाम और गुजरात. गुजरात से स्कूलिंग पूरी करने के बाद ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में 793 रैंक लेकर
793 रैंक लेकर IHM, जिसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मुंबई से, मैंने मेरी ग्रेजुएशन पूरी की है, जो कि इंडिया में, पूरे इंडिया में सेकंड रैंक होल्डर कॉलेज है होटल मैनेजमेंट में। उसके बाद दोस्तों मेरा इंटरेस्ट डिफेंस की तरफ हुआ, मैंने एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक किया, फिजिकल क्रैक किया, मेडिकल क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक किया और फाइनली मैं मेरिट लिस्ट में आया। और जब मैंने देखा कि 2600 बच्चे जो थे वो एग्जाम दे रहे बैठे थे, जिसमें से सिर्फ 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 2600 बच्चों में से 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उन 21 बच्चों में से मैं भी था। फाइनली आज मुझे 10 साल हो चुके हैं सर्विस करते करते। आई नो आप लोगों के भी लाइफ में कुछ ड्रीम होंगे, आपके भी लाइफ के प्रति कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, या तो आप मेरी तरह कोई डिफेंस ज्वाइन करना चाहते होंगे, या तो इस पैनल में जो भी जो दूसरे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनकी तरह कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते होंगे, प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते होंगे, या फिर घर पर बैठे बैठे कुछ शुरू करना चाहते होंगे। बस मेरी बात को ध्यान देना, इस बात को जो मैं बता रहा हूँ, जो तजुर्बा एज, उम्र और एक्सपीरियंस के साथ आता है, एज, उम्र और एक्सपीरियंस के साथ आता है दोस्तों, वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जिनको आज आप सुनने वाले हो, वो अपनी फील्ड में एक बहुत बेहतरीन स्टेज पे है, पर फिर भी हमें सिर्फ एक चीज खलती है, वो ये है कि हमने समय पर अपना स्टार्टअप, अपना टाइम पे बिजनेस क्यों नहीं शुरू किया। तो आज वो लोग जो आज यहाँ पहली बार जुड़ रहे हैं, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो हमारी तरह सालों लगाकर इस निर्णय पे आए, या फिर ये जो कम्युनिटी है, माय एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, इससे अपना समय बचा हुए अपना समय पर स्टार्टअप शुरू करें। ये जो कम्युनिटी है दोस्तों, माय एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, आपको हर फील्ड में एक्सपर्ट बनाने वाली है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले हो, आपका अपना खुद का बिजनेस हो, आप मार्केटिंग में हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, ये आपको मदद करने वाली है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में और आपकी नॉलेज को एनहेंस करने में, आपकी नॉलेज को बढ़ाने में। क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर आपको समय समय पे मोटिवेशनल स्टफ दिया जाएगा, आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आप सीखते रहेंगे। दोस्तों मेरी जिंदगी का सिर्फ एक सिद्धांत है, जब से मैंने अपना होश संभाला है मैं सिर्फ एक सिद्धांत पे काम करता हूं, वो ये है कि इंसान जो है, जो मनुष्य जो है, वो आदतों का गुलाम होता है, आदतों का गुलाम होता है। और जो आज हम हैं और या भविष्य में होंगे वो अपनी आदत के कारण होंगे। और जब गुलाम होना ही है दोस्तों, अगर हमें गुलाम बनना ही है तो क्यों ना हम अच्छी आदतों के गुलाम बने। और ये कम्युनिटी आपको इसी चीज में हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये समय समय पर आपको अच्छी आदतों का गुलाम बनाने वाली है। अजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उसी बात को देखकर मेरे को एक चीज याद आ रही है कि अगर हम 3 गरीबों के साथ रहते हैं तो भविष्य के 4 गरीब हम होंगे, और अगर हम 3 अमीरों के साथ रहते हैं तो भविष्य के 4 अमीर हम होंगे। और ये जो कम्युनिटी है दोस्तों, माय एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, ये आज के समय में आपको एक मौका दे रही है, ऐसी ही सोच के साथ, ऐसी ही ऊंची जो सोच रखने वाले लोग हैं उनके साथ रहने का, जीने का और जुड़ने का। अगर आप लोग में मुझे सुन रहे हैं, जो लोग आज यहाँ पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, आप ये देखिए कि जो भी आपकी उम्र हुई है, कितने दोस्त आपके आपके पास आए और उन्होंने आपको ये कहा, चलो दोस्तों कुछ शुरू करते हैं, कुछ सीखते हैं, चलो माँ बाप के सपने पूरे करते हैं। अगर आपका जवाब ना है दोस्तों, तो समझ लो आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं।
आज मैं सिर्फ एक मैं ये मेरी बातों को सिर्फ एक बात के साथ एंड करने वाला हूँ, एक स्टोरी के साथ एंड करने वाला हूँ. Am I audible to everybody? जी जी Am I audible? जी जी आपकी आवाज आ रही है. ओके तो मैं बस अपनी बातों को सिर्फ एक स्टोरी के साथ एंड करने वाला हूँ कि एक समय में पेट्रोल पंप पे एक इंसान काम किया करता था, वो पेट्रोल भरा करता था. एक समय में एक कार वहां पर आई, मर्सिडीज ई क्लास, और उस कार ने उसे तेल भरने के लिए कहा. और जब वो तेल भर रहा था तो तेल भरते भरते उस गाड़ी को निहार रहा था कि ये गाड़ी कितनी तगड़ी है, काश ये गाड़ी मेरे पास होती. और शीशे के काले शीशे के पीछे बैठा हुआ इंसान सिर्फ उसको देखते ही समझ गया कि ये इंसान भी जिंदगी में कुछ करना चाहता है. उसने अपना शीशा नीचे किया और शीशा नीचे करते हुए इसने बोला कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस करना चाहते हैं. तो जो तेल भर रहा था उसने बोला हाँ बिल्कुल. उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और वो कार्ड था माय एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी का. और उन्होंने बोला था कि टाइम टाइम पर आपको हम अपडेट करते रहेंगे कि आपको जिंदगी में कैसे बढ़ना है. ये कार्ड आप पकड़िए. उस इंसान ने वो कार्ड पकड़ा, जैसे ही वो गाड़ी आगे चली गई, उस इंसान जो पेट्रोल पंप पे काम किया करता था उसने वो कार्ड देखा और बोला बहुत आए ऐसे, और चले गए और उसने वो कार्ड फेंक दिया. और 20 साल के बाद यही कहानी वापस से दोहराई जाती है. एक BMW कार आती है वहां पर और वही पेट्रोल भरने वाला इंसान वहीं पर 20 साल बाद भी काम कर रहा होता है. वो पेट्रोल भरने लग जाता है उस BMW कार में और उसी कार को निहारने लग जाता है. अंदर से फिर से शीशा लूटती है, जिंदगी में कुछ करना है दोस्तों. गाड़ी वो जो इंसान 20 साल पहले वहां काम किया करता था वही हरकत वो अभी करने वाला था कि वो कार फेंकने लग जाता. तभी वो गाड़ी पीछे आती है और बोलती है कार्ड मत फेंकना. जरा क्यों, जरा आपसे 20 साल पहले भी आपने एक कार्ड फेंका था. तो जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा होता है वो इंसान बोलता है तुझे कैसे पता कि मैंने वो कार्ड फेंक दिया था. वो इंसान बोलता है कि तूने वो कार्ड फेंका जरूर था, साइड में मैं गाड़ियों में हवा कर रहा था, वो कार्ड मैंने पकड़ा था और वो कार्ड वो जूम मीटिंग मैंने अटेंड की थी, उस एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ा था, इसलिए आज 20 साल भी तू वहीं पर है और आज 20 साल बाद मैं इस BMW कार में बैठा हूं. दोस्तों मैं गीता को बहुत मानता हूं और गीता में एक कहावत है कि परिवर्तन जिंदगी का नियम है और ये परिवर्तन आपको एक कम्युनिटी देने वाली है. दोस्तों ये एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी आपको सिखाने वाली है कि आप अपनी पर्सनालिटी में कैसे चेंज लाकर आप अपनी जिंदगी के किसी भी फील्ड से हो, आप किसी भी फील्ड से आप कैसे उस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं वो आपको ये कम्युनिटी सिखाने वाली है. दोस्तों पर बात सिर्फ आदत की है, आपको आदत डालनी पड़ेगी यहाँ से सीखने की. दोस्तों बाकी थैंक यू एंड अजय जी थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. ऐसा स्टोरी बहुत अमेजिंग थी, सुन के बहुत अच्छा लगा. मानो तो पहले हमारे कर्म पे भरोसा करती है, आप जिस तरह से कर्म करते हैं आपको फल भी इसी तरह से मिलता है. अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्पीकर की ओर. वो भी एक वुमेन है, वो एक हाउस वाइफ है और उसी के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 2 से 3 मिनट के अंदर कोशिश कीजिएगा, 2 से 3 मिनट के अंदर थोड़ा अपनी स्पीच को खत्म कीजिएगा. जजी जी थैंक यू अजी जी. जी 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 ओके ओवर टू यू मैम. हेलो एंड वेलकम एवरीवन. मेरा नाम नाजनीन शेख है. बाय प्रोफेशन तो हाउसवाइफ हूं मैं. पहले वर्किंग थी, MBA किया है मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में. तो IT कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी लेकिन शादी के बाद छोड़ दिया. करंटली मैं अपना खुद का एक कॉस्मेटिक ब्रांड रन करती हूँ, घर से ही करती हूँ, प्यूरो नाम से. जब स्टार्ट किया था मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए इसके लिए. मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा वर्कशॉप्स ढूंढने के लिए, राइट एजुकेशन के लिए. तो जब अजय जी ने इस माय एंटरप्रेन्योर की बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए किसी को तो राइट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा
जहाँ से राइट इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिल सके और आप लोग आगे बढ़ सके। बाकी की सारी चीजें सारे लोग बता चुके हैं, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी। थैंक यू एवरीवन। ओके ओके, तो आई थिंक मैं भी वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग समय वेस्ट नहीं करते, हम लोग अपने नेक्स्ट स्पीकर की ओर आते हैं। तो हम नेक्स्ट स्पीकर को इंट्रोड्यूस करते हैं मैम, क्योंकि मैम तो हमारे साथ कनेक्टेड है। मैम कभी हम नेक्स्ट टाइम मैम को इंट्रोड्यूस करेंगे और मैम से नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग लेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्पीकर को लेके आते हैं, वो है मिस्टर विशाल सर। उन्होंने MBA किया हुआ है HR में और फाइनेंस में। और सर के बारे में, सर प्लीज सर 2 से 3 मिनट में सर अपनी स्पीच को खत्म कीजिएगा, क्योंकि टाइम की कमी है सर। और सर ओवर टू यू सर, आई मीन प्लीज अनम्यूट विशाल सर। हेलो, यस सर, यू ऑडिबल सर। एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। हाय गाइस, आपको वॉइस आ रही है मेरी अजय जी? यस सर, यस सर, प्लीज 2 से 3 मिनट के अंदर सर प्लीज कंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा सर। श्योर श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। नाम विशाल है एंड एजुकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो आई हैव डन MBA इन 2018 एंड आई डिड वर्क विद 2 MNCs कंपनीज, राइट। सो अभी मैं ज्यादा ना बता के अपने बारे में, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मेरे को ये अजय जी ने बताया था कि मीटिंग में कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, तो स्टूडेंट्स को मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो जिसका नाम है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इन द सेंस क्या होती है, आपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में बहुत सुना होगा, इसका हिंदी में मतलब है कि प्राथमिकता, राइट। कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में, क्या करें सबसे जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको सेट कैसे करें, लर्न हाउ टू सेट प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाइक वॉट टास्क, लाइक सम टास्क आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो टास्क होते हैं हमें उनको रैंक देनी होती है, कि कुछ टास्क जो है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कुछ काम होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरे कामों से, बट उनको हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब उनको एक रैंक देते हैं। अब उनको रैंक कैसे देनी है वो मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ, राइट। जैसे कि इस ग्रुप में कुछ स्टूडेंट हैं, तो मैं स्टूडेंट्स का ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि कुछ कोई स्टूडेंट है तो वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, प्रोफेशनल कोर्स इन द सेंस कि CA कर रहा है या CS कर रहा है, ठीक है। तो अब उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसको अपनी लाइफ में कुछ प्रायोरिटी रखनी है, प्रायोरिटी इन द सेंस कि उसको डिसाइड करना है कि क्या उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे स्टूडेंट को, CA स्टूडेंट को उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है स्टडी, राइट। तो वो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी पे क्या रखेगा, अपनी प्रायोरिटी पे स्टडी को रखेगा कि मुझे 10-12 घंटे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वो अदर चीजें रखेगा जो दूसरे काम है, जैसे बाहर घूमना, रिलैक्स करना, फोन चलाना, ठीक है। तो सबसे पहले वो अपने जो उसकी मेन इंपोर्टेंट प्रायोरिटी है वो स्टडी है, ठीक है। उसके बाद उस वो करने के बाद वो फिर बाद में दूसरे काम करता है, ठीक है। तो दूसरे काम करेगा जैसे बाहर घूमना, तो एक वो टाइम टेबल बना लेगा, 10-12 घंटे स्टडी करनी है, उसके बाद मुझे फिर कुछ टाइम के लिए बाहर जाना है, फिर वापस आके ओवर टाइम स्टडी करनी है, ठीक है। अब दूसरी जगह अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो प्रायोरिटी अपनी बनाते तो हैं बट उसको कंसिस्टेंटली मतलब फॉलो नहीं कर पाते हैं, राइट। अगर उन्होंने प्रायोरिटी बनाई है कि हाँ मुझे पढ़ना है, ठीक है, बट उस टाइम वो कुछ और काम कर रहे होते हैं, कुछ और काम इन द सेंस कि उनके कुछ दोस्त हैं वो उनको बुला लेते हैं, ठीक है, या फिर वो फेसबुक यूज कर रहे हैं, कुछ और अदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मींस प्रायोरिटी का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रायोरिटी बहुत छोटा सा वर्ड है बट इसका जो यूज है ना आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रायोरिटी को आप अपनी मतलब लाइफ में दिनचर्या दैनिक जीवन में अगर आप रखते हैं और इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी ना रख के, ठीक है, लाइफ में प्रायोरिटी ना रख के आप अपनी लाइफ को अनयूजेबल भी बना सकते हैं, ठीक है, तो और उसको यूजेबल भी बना सकते हैं,
तो उसको आप सेट कैसे कैसे करना है, टाइम बहुत कम है तो मैं इसलिए बता देता हूं जल्दी से आप कैसे टाइम को अपनी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आप सुबह उठते हैं, आप ये देखिएगा कि सुबह उठ के कि आपको पूरे दिन में करने क्या है, करना क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, क्या आपकी प्रायोरिटी है। आप वर्क देखिएगा, ठीक है, आप जो भी काम, जो भी टास्क है, जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप उसको प्रायोरिटी बेस पे कीजिएगा। अगर आप वो चीज नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि आपके कौन सी कॉन्सिक्वेंस क्या है उसके, अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, और जिसके कॉन्सिक्वेंस, जिसके रिजल्ट सबसे ज्यादा निगेटिव है, वही काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आपको करना क्या है, आपको पूरे दिन में ये देखना है कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसको प्रायोरिटी पे रख के आपको वो चीज करना है सबसे पहले, ठीक है, गवाना नहीं है। और स्टूडेंट्स लाइफ में मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स लाइफ में। तो स्टूडेंट्स को और जितने भी लोग हैं, जो अगर एम्प्लॉय भी है या कोई बिजनेसमैन है, राइट, सबको टाइम के साथ मतलब टाइम मैनेजमेंट रखना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है और खासकर स्टूडेंट्स को। तो गाइज जो प्रायोरिटी है ना, ये बहुत छोटा वर्ड है बट एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है हमारी लाइफ में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विजन है स्टूडेंट्स का, जो विजन होता है या फिर किसी का विजन होता है, विजन क्या चीज है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिशन क्या है और विजन क्या होता है, ठीक है। तो मिशन क्या होता है कि देखिए मैं आपको सिंपल से बता देता हूं, जो हम देखते हैं कि हमें कहां पहुंचना है वो हमारा होता है विजन, ठीक है, और क्यों पहुंचना है वो होता है हमारा मिशन, ठीक है। आप सीढ़ी स्टेप वन पे हैं, आप ए पे हैं, आपको बी पे जाना है, आप ए से देख रहे हैं कि मुझे बी पे जाना है, वो आपका है विजन, ठीक है, और क्यों जाना है वो आपका है मिशन, ठीक है। तो मिशन भी डिसाइड होता है और विजन भी होता है। जो विजन होता है वो 5 से 10 साल या उससे ज्यादा का होता है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट और हर एक इंसान की लाइफ में विजन होना भी बहुत जरूरी है, आपको विजन लेना भी बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, जिससे कि आप उस पे काम कर पाओ और उसको अचीव करके अपनी लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज को ऐड कर पाओ, राइट। तभी आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ में, आपकी जो, आप जो अपनी लाइफ में जिएंगे ना, जिस तरीके से आप जिएंगे तो वो कुछ अलग ही होगी, ठीक है। अभी क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स को भेज देते हैं मतलब ऑफिस सॉरी कॉलेज भेज देते हैं पढ़ने के लिए, उनको कोर्सेज अटेंड करवा देते हैं, बट एक्चुअली उनको पता नहीं होता है कि वो कोर्सेज करके वो जॉब गेटिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर जॉब के बाद उनका विजन क्या है, करना या नहीं करना। तो सारी टाइम ना ऐसे ही निकल जाता है, 30-32 साल की एज हो जाती है, 27-28 साल की एज में शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर आगे टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो हमें ना अपनी लाइफ में शुरू से ही विजन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। विजन हम फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते, हम उसको मन की आंखों से देख सकते हैं, इमेजिन करना है, ठीक है, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो विजन बहुत जरूरी है, विजन बनाना, ठीक है, और उसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ये दो चीज अपनी लाइफ में करते हैं, प्रायोरिटी, ठीक है, और विजन, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं। आप जो चेंजेस लाएंगे ना, आप खुद महसूस करेंगे कि मैंने क्या चेंजेस लेके आया हूं मैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो मैं, मेरे को अभी शॉर्ट टाइम में इतना ही बताना था, सो ओवर टू यू अजय सर, थैंक यू सो मच ऑल। यस सर, यू ऑडिबल सर, हेलो, या कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर, ऑल राइट, या ओवर टू यू। नो सर, सर आपकी वॉइस क्लीच हो रही है। मैं तो, शुड आई कंटिन्यू सर? मेरा कंप्लीट हो गया है, आप मैंने आपको ओवर हैंड कर दिया है। सर क्या मैं कंटिन्यू करूँ सर? हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। ओके, आई थिंक सर को मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। जसजीत जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी जी, आपकी वॉइस आ रही है। अजय सर का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। ऑलराइट ऑलराइट, तो आप उनको बता दीजिए, अगर मैं चैट बॉक्स में ही बता देता हूँ। अजय सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, थैंक यू सो मच सर, आई थिंक अब मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ओके, तो अब मेरी आवाज आ रही है, तो जल्दी जी आप नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए, क्योंकि यू आर लैकिंग टाइम, टाइम की कमी है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में आ गए।
अब दरअसल आप लोगों ने बहुत से स्पीकर को सुना होगा, अपने स्पीकर के बारे में जाना होगा, क्योंकि हम टाइम की कमी, ज्यादा स्पीकर आ भी नहीं सकते और सभी लोग इतना कुछ बता भी नहीं सकते इतने कम समय में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ नहीं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली सारी चीजें। हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी स्पीकर हैं, हेलो एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर होगा कि माइंड एंटरप्रेन्योर ऐसी कम्युनिटीज में अलग अलग स्किल के एक्सपर्ट आके आप लोगों को ट्रेन करने वाले हैं, आप लोगों को बहुत चीजें सिखाने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब आप पे डिपेंड करता है, प्लीज आप लोग बताइएगा हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, हम लोग डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन मोटिव है कि हम आपकी आप लोग को माइंड सेट की ट्रेनिंग दे सके, आप लोग का माइंड सेट ट्रेन हो सके, आप खुद को डेवलप कर सके, हमारे जो मोटो है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ग्रुप बनाएंगे, आप लोग बताइएगा जिसने भी आपको लिंक शेयर किया, जहाँ से भी आपको लिंक मिला है उनको तो बोलिएगा मैं माइंड कंपनी में ज्वाइन होना चाहता हूँ, कैसे हो सकता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली आपको पॉडकास्ट देंगे, डेली पॉडकास्ट जो 5 से 10 मिनट का होगा ज्यादा से ज्यादा, जिसमें आप लोग कुछ ना कुछ नई चीज सिखाई जाएंगी, आपको ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, आपको वीकली ट्रेनिंग दी जाएगी माइंड सेट और पर्सनैलिटी पे अलग अलग ट्रेनर्स के जरिए, अलग अलग फील्ड एक्सपर्ट के जरिए, और प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे ताकि खुद को डेवलप कर सको, और उसी के साथ साथ बहुत सी चीजें आप लोगों को मिलने वाली। ओके तो नेक्स्ट दर्शी जी, लेकिन प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, हमारा माइंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनी ताकि वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। ये फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि ये यूजलेस है, ये फ्री है, इसका मतलब ये नहीं आप इसको ओवर समझेंगे, ये फ्री का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि क्या होता है लोग फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करते। तो माइंड एंटरप्रेन्योर ये जो भी चीज आपको मिलने वाली सारी चीजें फ्री में मिलने वाली है, लेकिन प्लीज इसका चीज का ध्यान रखें, उसके लिए बस जो चीज की जरूरत है, एक आपका पार्टिसिपेंट, आपको पार्टिसिपेट करना चीजों में खुल के, आपको जो भी चीज सिखाई जा रही है प्लीज उसको इम्प्लीमेंट करें, और आपका डेडिकेशन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स हैं वो अपना समय निकाल के, अपना टाइम निकाल के आप लोग को आके कुछ ना कुछ सिखाने वाले हैं, आप लोग की चीजें डेवलप करने वाले हैं। तो प्लीज अगर वो लोग हमारे साथ इस कम्युनिटी में, हमारे साथ इस मिशन में हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्लीज उनका समय की इज्जत करें, और जो भी चीज आपको आगे आगे माइंड एंटरप्रेन्योर की जगह अगर आप ज्वाइन होते हैं, हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, आपको ग्रुप में ऐड करते हैं, तो जो भी चीज आपको प्रोवाइड होती है, जो भी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड होती है, उनको उनकी वैल्यू करें, उन्हें समझे, उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा जो मकसद है कहीं ना कहीं पूरा होगा। इस तरह से हम लोग वर्क करने वाले हैं, माइंड एंटरप्रेन्योर कमेटी इस तरह से आपको ट्रेन करने वाली है, ये चीज आपको मिलने वाली है, बहुत चीज आपको मिलेगी। तो यही था इतना कुछ का। अब मैं आखिरी में हमारी कम्युनिटी के मेंटर को बुलाना चाहूंगा, वो भी आपकी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करें, हमारी जो माइंड एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी जिनकी मेंटरशिप के अंदर वर्क कर रही है, तो मैं उनको तो बुलाता हूँ, मैं सर को इंट्रोड्यूस करता हूँ। आई वेलकम यू सर, प्लीज सर सर एक बार आए, और कुछ समय के अंदर, क्योंकि अब समय की कमी है सर, प्लीज कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाए। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी आपको? सर आपकी प्रोफाइल दिख रही है। ओके परफेक्ट। ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अजय विक्रम सिंह इतनी शानदार इनिशिएटिव लेने के लिए, बिकॉज मैं इतने टाइम से बिजनेसेस में हूँ, और मैं अभी अपनी प्रोफाइल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन आपसे करूंगा और बाकी सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि हर पर्टिकुलर टैलेंट को निकालने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आशीष सर को, डॉक्टर आशीष, रुचिका मैम, रॉबिन जी, नाजनीन और विशाल जी को, कि आप सभी लोग इतने शानदार तरीके से सभी यंगस्टर्स को जो आप ट्रेन कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मतलब इस लेवल का इनिशिएटिव मैंने नहीं देखा है, इस लेवल का कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने नहीं देखा है, और कभी भी हम सभी लोगों का, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, हर एंटरप्रेन्योर का एक बेसिक ये बनता है, मोटो बनता है कि जब भी अगर आप एक सर्टेन पोजिशन पे बैठते हो तो आप सोसाइटी को कुछ पे बैक करके जाओ, राइट? और यही चीज जो है, यही लर्निंग हम लोगों को आने वाली जनरेशन को देनी चाहिए। तो ये आपने इनिशिएटिव लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और सभी लोग, डॉक्टर आशीष जी, रुचिका मैम, रॉबिन जी, नाजदीन जी, विशाल जी, सभी लोग जो है, सभी स्पीकर्स, इतने शानदार तरीके से आपने सभी चीजों को एक्सप्लेन किया है। सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी हम सभी लोगों में एक कॉमन सोल है। वो कॉमन सोल हमारा क्या है? वो कॉमन सोल है कि हम सभी जो है एक एंटरप्रेन्योर्स का दिल है हमारे, राइट? बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग लोग काम करते हैं, और लेकिन हो सकता है उनमें से कोई डांसर्स होते हैं, कोई
सिंगर्स होते हैं, कोई एक्टर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, वो काम करते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे इतना टाइम दे के आ रहे हैं या हम लोग अपना इतना समय दे रहे हैं, तो हम लोग अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किन्हें सुन रहे हैं, राइट, और आप अपना समय जो है वो सही जगह दे रहे नहीं है, ठीक है। तो मेरा नाम है रितेश रंगारे। आप मेरे बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहते तो आप गूगल कर सकते हैं। तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। मैं लास्ट करीब 13-15 ईयर से जो है बिजनेस के अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा हूँ, और अगर मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी NIT कैलिकट से, मैं भी एक बहुत ज्यादा बोलना चाहिए ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ, राइट, और मैं अपने स्कूल का टॉपर रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज में एक अच्छा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, टॉपर तो नहीं रहा हूँ डेफिनेटली, लेकिन वहां जाने के बाद में मुझे एक बहुत ज्यादा चीज अच्छी समझ में आई कि अगर हम लोग वहां से निकलने के बाद में, वहां पे निकलने के बाद में सिमिलर ऑप्शन, जैसे अगर आप सारे यंगस्टर्स हैं, इतने सारे लोग ज्वाइन किए हैं, आपके पास में जो ऑप्शंस हैं, तो वो सिमिलर ऑप्शंस करियर ऑप्शन हमारे पास में भी थे। हमारे पास में भी दो करियर ऑप्शंस थे, आइदर हम लोग जॉब करें आइदर बिजनेस करें, लेकिन हम लोगों ने बिजनेस को चूज किया और उस पर हम लोगों ने अपना फोकस बनाया। तो उसका एडवांटेज हम लोगों को क्या क्या मिला है, एडवांटेज ये मिला है कि आज हम लोग नेशनली एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, हम लोग इंटरनेशनली अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उन्हें समझाते हैं। तो इस लंबी जर्नी में मैंने क्या क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ बहुत कम समय में। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरा फर्स्ट वेंचर था वैलेंटो के नाम से, एक टी शर्ट ब्रांड है ये, मैंने स्टार्ट किया और 2014 से 2018, और इसके पहले भी मैंने एक जो है चीज स्टार्ट करी थी, उस चीज का नाम था द एवोल्यूशन ऑफ एन इनग्लोरियस मोरॉन के नाम से मैंने एक नॉवल लिखी थी। ये मैंने अपने कॉलेज डेज में लिखी थी, लगभग मैं शायद सेकंड ईयर में रहा हूँ। तो मैं NIT कैलिकट केरल से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, तो सिविल इंजीनियरिंग होने के बाद में भी मेरे पास में सिमिलर ये अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं एक अच्छी जॉब जो है जॉब पे जा सकता था। बट जॉब कभी भी एक सिक्योर ऑप्शन डेफिनेटली हो सकता है, बट एक टाइम के बाद में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरीके से बाउंडेड है बहुत ज्यादा, आपको वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं जो शायद आप कभी भी नहीं करना चाहते हैं, और वो हमेशा हर किसी के साथ में होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देख लीजिए, किसी भी आप प्राइवेट एम्प्लॉय को देख लीजिए, बड़े से बड़े, अगर कोई फेसबुक में काम कर रहा है, गूगल पे काम कर रहा है, किसी भी बड़ी प्रोफाइल में काम कर रहा है, एक कॉमन चीज उनको आपको देखने को मिलेगी, वो बाउंडेड है, उन्हें वही करना है जो कंपनी उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रही है, चाहे उनका मन हो या ना हो, राइट। और मैं कभी भी वो काम नहीं करना चाहता था, मुझे लगता था कि भले मैं लेट किसी जगह पे पहुंचूंगा, बट मैं अपने मन का काम करूंगा, तो मैं एक स्थिर काम करूंगा और मैं सेटिस्फाइड बहुत ज्यादा हूंगा। मेरा इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, मेरा इंटेंशन एक सक्सेसफुल लाइफ जीना था, और सक्सेसफुल लाइफ का मतलब था कि मैं सारी चीजें अपनी बैलेंस करना चाहता था, राइट। सारी चीजें बैलेंस करना मतलब पैसा बनाने के साथ में मैं अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहता था, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता था, और वो सारी चीजें करना चाहता था। तो मैंने स्टार्ट किया और एक नॉवल लिखी अपने कॉलेज लाइफ में, द एवोल्यूशन ऑफ इनग्लोरियस मोरॉन के नाम से, बहुत कम टाइम पे जो है वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बेस्ट सेलर हुई। डेब्यू नॉवल के तौर पे मुझे एक बेस्ट सेलिंग जो है अवार्ड मिला था ऑथर का। इसके बाद में 2014 टू 2018 मैंने एक जो है टी शर्ट ब्रांड स्टार्ट किया, उसके बाद में उसी ब्रांड के नाम से एक वेलेंटो फाउंडेशन के नाम से एक NGO स्टार्ट किया, उसके बाद में स्टार्टअप स्पेस स्टेशन के नाम से एक स्टार्टअप को लेके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग स्टार्टअप्स को फंड देना, स्टार्टअप्स को मेंटोर करना, ये सारी चीजें करते थे। तो इसलिए आप गवर्नमेंट इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप मेरा नाम देख सकते हैं, मैं इंडिया का वन ऑफ द एक स्टार्टअप मेंटोर हूं, जहां पे मैं अलग अलग स्टार्टअप्स को, अलग अलग इंडस्ट्रीज को जो है अलग अलग तरीके से ट्रेन करता हूं, राइट। तो ये बहुत सारी चीज है जो पैरेलल हम लोगों ने चलाई, और इसके साथ में मैं एक पैरेलल कंपनी है डिजिटल एवेंजर्स के नाम से, तो उसमें हम लोग फेसबुक मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, और इसके बाद में बहुत सारी जो इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज हैं, इन सभी चीजों पे काम करते हैं। तो मैं आपको कुल मिला के मैं एक ऐसा एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहा हूं जिसमें मैंने लगभग सभी प्रकार के बिजनेसेस का टेस्ट लिया है, राइट। और इसलिए मैं बहुत अच्छे से इलैबोरेट कर सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं कि किस जगह पे आप अगर अभी स्टार्ट करते हैं और अगर आपके पास में राइट पाथ नहीं है तो आप क्या क्या करने वाले हैं। और बहुत अच्छा होता है अगर आपको आपकी जर्नी के स्टार्टिंग में ही कोई मेंटोर मिल जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं आप, और आप अगर कोई गलतियां करने वाले हैं तो हम लोग उन चीजों के लिए पहले ही आपको अलर्ट कर देंगे कि ये जो चीजें हैं आप बिल्कुल भी किसी तरीके से मत कीजिए। इसके अलावा मैंने बहुत सारे नेशनल इवेंट होस्ट किए हैं, स्टार्टअप महाकुंभ के नाम से यहाँ सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एक स्टार्टअप इवेंट हुआ था, वो मैंने होस्ट किया है। यूट्यूब का अगर योर स्टोरी का अगर आपने नाम सुना हो, ये एक स्टार्टअप मीडिया का सबसे बड़ा जो है वेबसाइट है, या आप बोल सकते हैं कि ये मीडिया चैनल है, और उसका हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट किया था 35 Under 35 के नाम से। जैसे 30 Under 30 के नाम से एक फोर्ब्स की लिस्ट निकलती है, 40 Under 40 की फोर्ब्स की लिस्ट निकलती है, तो वैसे हम लोगों ने 35 Under 35 MP के लिए एक काम किया था, जिसमें सारे यंग
ब्रिलियंट एंटरप्रेनर्स जो है उनको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया और उसके बारे में उनको उनको सम्मानित किया. अलग अलग फील्ड्स है तो यहाँ पे एमपी में लगभग मैं करीब 1000 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से कनेक्टेड हूँ. 1000 अलग अलग प्रोफाइल जो 1000 अलग अलग डोमेन में अपना स्टार्टअप बिजनेस ब्रांड जो है वो बिल्ड कर रहे हैं. इसके बाद में स्टार्टअप हॉन किया तो इस इनिशिएटिव में स्टार्टअप हॉन में मैंने लगभग करीब एक 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 स्टार्टअप है उसका नाम है ई ट्रकेज. ये लॉजिस्टिक रिलेटेड एक एक टेक्निकल स्टार्टअप है जो लॉजिस्टिक में काम करता है. एक ऐप बेस्ड स्टार्टअप है तो उसमें हम लोगों ने 2.5 करोड़ रुपए जो है उसका जो है फंड रेज कराया था. यहाँ पे उसके इन्वेस्टर का नाम भी लिखा हुआ है फिस्का ग्लोबल के. ठीक है, इसके अलावा मैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट IITs में IIMs में अलग अलग तरीके से इन्वाइट किया गया हूँ. मैंने वहां पे अलग अलग प्रोग्राम्स को अलग अलग फेसबुक मार्केटिंग के बारे में मैंने बात की, स्टार्टअप मेंटरशिप के बारे में बात की है, वेंचर कैपिटल फंड के बारे में बात की है ना, हेड स्टार्ट जो एक एक नेशनल और ग्लोबल कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में मुझे मैरिट में बुलाया गया था, MANIT में बुलाया गया था. वहां पे मैंने अपना कुछ प्रोग्राम्स दिया था. इनोवेटर के नाम से कुछ एक प्रोग्राम हुए थे जो स्टार्टअप इनिशिएटिव्स लिए गए थे. राइट, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में मैंने काम किया. ये मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अब मैं इसके बाद में जो आप चीजों को बताने जाऊंगा ना तो आप उनको बहुत सिंसियरली सुनेंगे और ये सिर्फ 15 मिनट्स आपके लाइफ चेंजिंग मिनट्स होने वाले हैं. तो बहुत अच्छे से अगर आपने अभी तक पेन पेपर नहीं लिया तो पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा और आपको समझ में आएगा कि आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं फील्ड में और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ह्यूज एक बोलना चाहिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ है वो. राइट, वो एक एक दिन का कोर्स नहीं है या ऐसा नहीं है कि आपने सिंगल डे पे उसको सीख लिया. तो आपको बैक टू बैक जो अपनी स्किल को पॉलिश करना पड़ेगा, आपको बैक टू बैक जो है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो है वो काम करना पड़ेगा. तो ये सारी चीजों में अजय विक्रम सिंह, बाकी के सारे स्पीकर्स, मैं और जितने भी हमारे आने वाले और स्पीकर्स रहेंगे तो हम लोग सब कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे आपको शेप करने के लिए. राइट, इसके अलावा मुझे बहुत सारे नेशनल मीडिया चैनल्स में फीचर किया गया है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड और रिकॉग्निशन मुझे मिले हुए हैं. बहुत सारे अराउंड मैंने अब तक मैं अगर मैं आपसे कैलकुलेट करके बोलूं तो मैंने करीब करीब 150 प्लस स्टार्टअप्स के साथ में अलग अलग काम किया है. इनमें से कुछ 10-15 स्टार्टअप्स के साथ में मैं एज अ CEO पार्टिसिपेट किया हूं और या मैं उनके को फाउंडर के तौर पर रहा हूं या मैंने उनका मार्केटिंग देखा है या फिर मैंने उनका जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखा है. तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम किया है. राइट, और ये सभी उन्हीं सभी जो टॉप एंटरप्रेनर्स हैं. अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे तो ये सारे जो टेस्टिमोनियल्स हैं तो ये सारे जो टॉप कंपनीज की CEO के टेस्टिमोनियल्स हैं आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे. तो ये है एक मेरा डिटेल प्रोफाइल जिसके बारे में आई थिंक आपको पता होना चाहिए. अब हम लोग जो है जस्ट अ सेकेंड, अजय आपको मेरी आवाज आ रही है? आप एक बार अनम्यूट करके बताएं या होस्ट. सर आपकी आवाज आ रही है. ओके, स्क्रीन विजिबल है राइट? ओके, यस सर, यस. ओके. सो आज हम लोग, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देने वाला हूं ताकि अगली बार आप एटलीस्ट 10-10 एंटरप्रेन्योरशिप जो सेम ऐसे माइंडसेट रखते हैं, जो बिजनेस का इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें एंटरप्रेन्योर बनना है और उन्हें क्या क्या गलतियां जो है आने वाले टाइम पे होने वाली, हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन हम लोग सिर्फ अभी एक इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो हमारा ये फर्स्ट इनिशिएटिव लिया गया है अजय विक्रम जी के द्वारा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है. तो इंट्रोडक्शन में हम लोग आपको बताएंगे कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में. राइट, तो मैंने आपको मेरे बारे में बता दिया है. मैं एक नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर रहा हूं, सीरियल एंटरप्रेन्योर रहा हूं, ऑथर रहा हूं. मैंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ में अलग अलग, मैंने लगभग ऐसी आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज होगी जो मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया. और मेरे एक्सपेरिमेंट करने का मेजर रीजन था, मैं लर्निंग चाहता था, हर फील्ड से मैं लर्निंग चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि एक सर्टेन एज के बाद में शायद हो सकता है कि मैं उतना ज्यादा कैपेबल ना रहूं या मेरा दिमाग काम ना करे या कोई एक सर्टेन चीज. तो मेरा जो अभी एज चल रहा है उस एज के अंदर मैं चाहता था कि मैं लगभग सारे फील्ड एक्सप्लोर करूं और मैं चाहता था कि जितनी ज्यादा लर्निंग्स मैं ले सकता हूं उतनी लूं. और डेफिनेटली बात है ये इन चीजों का जो 15 ईयर्स की जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी रही है उसका मैं समरी जो है आप लोगों को बहुत कम टाइम पे देने वाला हूं. राइट, और ये एक बहुत लंबी जर्नी होने वाली है. डेफिनेटली हम लोग हर कुछ टाइम में आधे आधे घंटे के इस तरीके के सेशन करने वाले हैं. राइट, तो गाइज अभी फिलहाल हर जो भी स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट के पास में एक कॉमन, अगर हम लोग बोले कि करियर ऑप्शन, तो करियर ऑप्शन आपके पास में दो ही हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही करियर ऑप्शन है. आइदर आपको जॉब के लिए जाना है और या फिर आपको बिजनेसेस के लिए जाना है. राइट, अब हम लोग इसको समझते हैं कि जॉब या बिजनेस के केसेस में, दोनों केसेस में अगर आपको जिस भी फील्ड में जाना है तो इनमें चैलेंजेस क्या हैं, इनमें, क्योंकि
जॉब भी एक सही समय पे, जब हम लोग फ्रेशर रहते हैं तो फ्रेशर के समय में जॉब करना बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पता रहता है कि महीने के एंड में एक सर्टेन पैकेज मिलेगा, एक सैलरी मिलेगा और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन कोई भी जॉब करने वाले व्यक्ति से, जितने भी लोग हैं, नो मैटर वो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में, किसी भी जॉब में है, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा जब उन्होंने 6 months to 1 year उनके जॉब के कंप्लीट कर लिए हैं, उनसे पूछिएगा कि अगर वो डेफिनेटली अपने काम से प्यार नहीं करते हैं तो उनमें से मैक्सिमम अराउंड 99% लोगों का जवाब ये रहेगा कि वो हाईली डिसअपॉइंटेड हैं अपने काम से। क्यों? क्योंकि वो ना, उन्हें करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। सिमिलर चीज जैसे मैंने आपको डांसर्स के बारे में बताई थी, राइट? एक डांसर को अगर आप एक 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 कोई पैशनेट व्यक्ति है जो डांसिंग के लिए पैशनेट है और अगर आप उसको जबरदस्ती कोडिंग करवाएंगे या आप उसको जबरदस्ती कोई और दूसरा काम करवाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तो वो शायद पैसे तो जनरेट कर लेगा लेकिन उसका पैशन हमेशा डांस रहेगा ना, तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेगा और लॉन्ग टर्म उसका जो जो उसका ये है फ्रस्ट्रेशन है या वो जो बहुत ज्यादा इस तरीके से मायूस दिखेगा ना, वो सब उसके चेहरे पे दिखाई देगा, उसके फैमिली वालों को समझ में आ जाएगा, उसको कलीग को समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शंस हमारे पास में डेफिनेटली ये हैं, राइट? इनमें से बट राइट ऑप्शन क्या है और क्या मैंने अपनी जर्नी से सीखा है, मैं क्या आपको बता सकता हूँ, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जॉब के लिए हमारे पास में कैंपस में, जैसे हम लोग जाते हैं अलग अलग कैंपस में, NIT कैलीकट से हूं मैं, तो NIT कैलीकट में जिस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज हमारे कॉलेज में आ रही थी, तो हमारे पास में ए ग्रेड कंपनी थी, ए प्लस ग्रेड कंपनी थी, ऐसी कंपनीज थी जो फर्स्ट ईयर में ही आपके टैलेंट के हिसाब से आपको जो है प्लेसमेंट दे देती थी, 5 lakh, 10 lakh, 12 lakh, 15 lakh के पैकेजेस पे बहुत इजीली प्लेसमेंट हो जाया करते थे। और उस टाइम पे आपके दिमाग को स्टेबल रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप चाहते कुछ और, जब आप अपनी सराउंडिंग देखते हो आपको लगता है कि यार सारे के सारे लोग तो प्लेसमेंट ले रहे हैं और मैं इकलौता हूं जो प्लेसमेंट नहीं ले रहा हूं, तो बहुत ज्यादा बोलना चाहिए फ्रस्ट्रेशन होता है, राइट? बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है। और मैक्सिमम जो बैक बेंचर्स, क्योंकि मैं वन ऑफ द बैक बेंचर रहा हूं मेरे कॉलेज में, एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, तो कॉलेज में मैं, क्योंकि NIT कैलीकट मतलब से इंडिया का टॉप 3rd इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग का, राइट? उस टाइम की रैंक बता रहा हूं मैं, 2005 टू 2009 की रैंक में बता रहा हूं। और उस टाइम पे जब आप देखते थे कि आपके आसपास के आपके रूममेट्स हैं या फिर आपके बोलना चाहिए कि आपके जो क्लासमेट्स हैं सभी लोग सारे के सारे प्लेसमेंट्स ले रहे हैं और अच्छे अच्छे पैकेजेस पे आ रहे हैं, बैक टू बैक कंपनीज में बैठ रहे हैं, एक के बाद एक कंपनीज क्रैक कर रहे हैं, आपका दो दिमाग चलता है, आपका दो मन काम करते हैं उस टाइम पे। एक मन काम करता है कि यार चलो ले लेते हैं, एटलीस्ट सिक्योर हो जाएंगे और मेरे को जो है फैमिली को जवाब देना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ रहता है आप स्टैंड लेते हो और आपको लगता है कि यार ठीक है मैं ले भी लिया तो क्या करूंगा, जाके एक कंपनी के लिए काम करूंगा, एक कंपनी के बाद में कंप्लीटली मैं उनके जो वर्किंग आवर्स, उन वर्किंग आवर्स के हिसाब से मेरे को रिपोर्ट करनी पड़ेगी सारी चीज, तो कुल मिला के कोई भी काम मेरा नहीं रहेगा, वो सारा जो काम रहेगा वो कंपनी का रहेगा, वो मुझे भले 50 lakh rupees दे लेकिन 50 lakh rupees के बदले में उनको 5 crore या 10 crore का काम तो करके दे ही दूंगा, तभी तो वो मुझे 50 lakh rupees पे कर रहा है, राइट? मेरे टाइम के अगेंस्ट में या मेरे स्किल के अगेंस्ट में। तो मैंने डिसाइड किया कि ज्यादा बेटर रहेगा मैं चूज करूं बिजनेस में जाना, और उस टाइम से ही मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट था। मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से अपना जो है वो स्टार्ट किया क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ में एक फास्ट ऑप्शन रहता है, वहां से स्टार्ट किया, वो कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे पैसा बनाया, जिस टाइम पे वहां पे उस वो कंपनी डेफिनेटली कोलैप्स हो गई, लेकिन उस टाइम पे जब कॉलेज लाइफ में बच्चों के जो 1500 rupees के पॉकेट मनी आया करती थी, उस टाइम पे मेरा हफ्ते का चेक जो है वो उनके इससे जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता था, राइट? तो इस तरीके से मैंने अपनी स्किल डेवलप किया, फिर मेरा बिजनेस का और ज्यादा इंटरेस्ट बना, फिर इसके बाद में मैंने अपने ब्रांड सेट किए, इसके बाद में मैंने मुझे लगा कि मुझे अगर मैं सीख रहा हूं तो मुझे लोगों को भी सिखाना चाहिए, तो स्टार्टअप पूरी कम्युनिटी सेट की, अभी 1000+ एंटरप्रेन्योर्स हैं, नेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सभी लोगों को मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे प्लेसमेंट्स की, राइट? कैंपस प्लेसमेंट में आपके प्लेसमेंट्स में आपके पास में सॉरी जॉब के लिए आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं? कैंपस प्लेसमेंट हो गए, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई हैं, इसके बाद में आप ऑफलाइन प्लेसमेंट्स ले सकते हो, राइट? तो ये 2-3 तरीकों से जो है आप जॉब के लिए किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बिजनेसेस की। एक बात किया मैंने करियर के लिए दो ऑप्शंस में आपको मैंने बताया, जॉब और बिजनेस। जॉब में मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट्स इस तरीके से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेसेस की। बिजनेसेस में आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरी है बिजनेस करने की, राइट? एक बिजनेस आपके पास में ट्रेडिशनल बिजनेस जो मैं कर चुका हूं, दूसरा बिजनेस आपके पास में इंटरनेट बिजनेस जो मैं कर चुका हूं, तीसरा बिजनेस आपके पास में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो मैं भी कर चुका हूं, राइट? तीनों बिजनेसेस के अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं, राइट? अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने घाटे हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल बिजनेसेस में अगर हम लोग बात करें
तो क्या क्या चीजें आती हैं? बिल्कुल, अगर एक जनरल बात की जाए तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे इस तरीके के बिजनेस आते हैं, जैसे शॉप लगा दी है, या फिर हम लोगों ने रेस्टोरेंट खोल दिया है, होटल खोल दिया है, और कपड़े की शॉप है, किराना शॉप है, एक्स वाई जेड, जितने भी आपको ऐसे जो लोकल जो शॉपर्स दिखते हैं वो सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस में आते हैं। इनफैक्ट आप फैक्ट्री सेट करना चाहते हो वो भी ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हैं। इंटरनेट बिजनेस में क्या आता है? इंटरनेट बिजनेस में आता है ब्लॉगिंग। अगर आप लिखते अच्छा है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे टूल्स एंड ट्रिक्स जिसके थ्रू आप ब्लॉगिंग में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो। इसके बाद में सेकंड एक बिजनेस आता है जिसमें हमारी एक कंपनी काम करती है, डिजिटल एडवेंचर्स नाम है हमारी कंपनी का, तो उसमें हम लोग काम करते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो अभी बहुत कम टाइम में बूम पकड़ा है, और ये इतना शानदार फील्ड है। लेकिन इन सारे फील्ड के भी एक फायदे हैं और एक घाटे हैं। तो ब्लॉगिंग में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिव होना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपको एडवांटेज है उतना ही ज्यादा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा राइटिंग के लिए। तो आप एक तरीके से आइदर आपको अपने स्किल को बहुत ज्यादा पॉलिश करना पड़ेगा, या आप गॉड गिफ्टेड होने चाहिए। दो ही चीजें, राइट? मैं गॉड गिफ्टेड नहीं था, तो मैंने क्या किया, 15 इयर्स कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर करके वो सारी चीजें कर दिया जो शायद से मेरे डोमेन के बाहर थी। मैंने फर्स्ट टाइम पे जब नॉवल लिखी तो मैंने गूगल किया हाउ टू राइट अ नॉवल, सबसे रॉन्ग अप्रोच थी वो लिखने की। जिस दिन मैं लिखने बैठा उस दिन 2.5 महीने में नॉवल कंप्लीट करके मैंने रख दिया, राइट? इसके बाद में इसी तरीके से बाकी के जो दूसरे हैं बिजनेसेस हैं या स्टार्टअप ब्रांड, जब मैंने टी शर्ट डिजाइनिंग का काम स्टार्ट किया तो मुझे डिजाइनिंग सीखना जरूरी थी, तो कैसे किया जाए उसके लिए मैंने अलग अलग टूल्स एंड ट्रिक्स एक्सप्लोर किए। तो लगभग सारी चीजें, सारे स्किल्स और सारे इस तरीके के चैप्टर्स मैंने खुद ही इनिशिएट किए। तो अगर आप गॉड गिफ्टेड हैं तो आप एक सर्टेन चीज में ही गॉड गिफ्टेड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं चीज को स्किल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो उस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं और बहुत अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, राइट? और बिजनेस एक लौता फील्ड है जो हमें डिफरेंट फील्ड में इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने की परमिशन देता है। आप जॉब में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। आप अगर एक मार्केटिंग संभाल रहे हो तो आप मार्केटिंग में रहोगे, आप अकाउंट संभाल रहे हो तो अकाउंट में रहोगे, कोई भी एक्स वाई जी कोई भी डिपार्टमेंट आप लीड कर रहे हो वो उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रहोगे। अगर आप कोडर बनते हो तो आपको कोडिंग स्किल के अलावा कोई दूसरी स्किल कभी भी नहीं आएगी, राइट? लेकिन बिजनेस में आप टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं, आप बाकी के सारे जो है डिफरेंट फील्ड सीख लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेट बिजनेस की, राइट? इंटरनेट बिजनेस में ड्रॉप शिपिंग मैंने स्टार्ट किया। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत कूल मॉडल है बिजनेस, आजकल बहुत ज्यादा अच्छे डिमांड पे है। आप मतलब इस बिजनेस मॉडल से लोगों ने 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए महीने का जो है रेवेन्यू बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है? इसके बाद में आप देख सकते हो कि फेसबुक मार्केटिंग में आप लीड जनरेशन का काम करना, कैंपेन्स बनाना, एड कॉपी बनाना, इसके बाद में एड कैंपेन्स बनाना, क्रिएटिव बनाना, ये सारी चीजें जो है वो फेसबुक मार्केटिंग में आ जाती है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में कभी चर्चा करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो, राइट? फिर इसके बाद में इन्फ्लुएंसर, ये एक नई कैटेगरी निकली है। मतलब अगर आप फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा, आपने, मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल से बताता हूं। आपने फ्लाइंग बीस्ट का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा उनके चैनल का नाम जो है फ्लाइंग बीस्ट के, किसी को नाम याद है उसका? मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। फ्लाइंग बीस्ट एक चैनल है जो उसके एक फ्लाइट है, एक IITN है, तो उसके उन्होंने जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो इन्फ्लुएंसर के थ्रू लोग जो हैं ये डिसेबल करेंगे कि आप और गौरव जी जो लिखा हुआ है ये नाम, इनको थोड़ा सा सेशन से आउट कीजिए, राइट? ओके, तो जो इन्फ्लुएंसिंग है, इन्फ्लुएंसिंग आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू लोग बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं। अगर आप फेसबुक के इन्फ्लुएंसर हैं तो आप बहुत पैसा बना सकते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है तो आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं, इसके बाद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है तो आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। मॉडलिंग के साथ में ये सारी चीजें जो है पैरेलल काम कर रही है। इसके बाद में इंटरनेट सर्विसेज, बहुत छोटी छोटी सर्विसेज होती है जिनके थ्रू आप पैसा बना सकते हैं, राइट? तो ये सारे फील्ड हैं जो इंटरनेट बिजनेस में आते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से जो है नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं या फिर MLM बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अवेयरनेस जीरो है, अवेयरनेस एकदम जीरो है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि 1% है, 2% है। जो भी अभी जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि ये फील्ड कितना ज्यादा पावरफुल है, राइट? तो इन तीनों फील्ड में अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि कौन सी ज्यादा, क्योंकि मैंने सभी फील्ड जो है एक्सप्लोर किए हैं, तो कौन सी बिजनेस कैटेगरी या कौन सा बिजनेस फील्ड सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा डायरेक्ट सेलिंग भी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपको
एक्स वाई जी इतनी सारी स्किल में एक्सपर्ट दे देता है आपको, पब्लिक स्पीकिंग से लेकर आपकी पर्सनैलिटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दे देता है। ये वन ऑफ द ऐसा पावरफुल मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू आप सिर्फ 5 ईयर्स के डेडिकेशन के थ्रू, 5 ईयर आपको कंटिन्यूअसली कोई भी आप डायरेक्ट सेलिंग की जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज है उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को स्टडी कीजिए और उन कंपनीज के थ्रू आप सिर्फ 5 ईयर्स में, मतलब अगर आपने विवेक बिंद्रा को फॉलो किया होगा तो विवेक बिंद्रा जी ने भी ये बोला है कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसी पावरफुल इंडस्ट्री है जिससे जिसने वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो मिलियनर्स है वो पैदा किए हैं। 5 ईयर्स में आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकते हो। मिलियनर्स बनना इस इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टास्क है, आपने देखे होगा कि और इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री में, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। इसलिए जो बहुत ज्यादा कम पढ़े लिखे या बहुत ज्यादा जो पुअर बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं वो इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर देते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में उनके पास में खोने के लिए कुछ नहीं रहता है और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या वेल मैच्योर्ड लोग जो रहते हैं वो इस इंडस्ट्री को इग्नोर करते हैं। वो शायद हो सकता है इंटरनेट बिजनेस की तरफ चले जाए या ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ चले जाए, उन्हें लगेगा कि यार मैं होटल डाल दूंगा 50 लाख 1 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए का, वो ज्यादा बेटर रहेगा, या इंटरनेट बिजनेस कर लूंगा मैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहूंगा। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। जिस तरीके से लोग पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, जिस तरीके से लोग पुलिस की जॉब को अच्छे प्रोफेशन में काउंट नहीं करते, जिस तरीके से बाकी के प्रोफेशन में भी अपना अपना एक ओपिनियन बना के रखा हुआ है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का ओपिनियन है जो 110% कुछ लोगों के दिमाग में जो बनाया गया है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है जो हाई कंपाउंडिंग ग्रोथ क्रिएट करती है, राइट। इस लेवल का अगर हाई कंपाउंडिंग ग्रोथ अगर आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस में क्रिएट करना है तो आपको एटलीस्ट 50 to 100 ईयर्स देने पड़ेंगे, 50 से 100 साल, जो काम आप एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर में कर सकते हैं। और इंटरनेट बिजनेस की अगर बारे में बात करूंगा तो इंटरनेट बिजनेस में आप अकेले काम करेंगे, इंटरनेट बिजनेस में आपने जिस दिन काम करना बंद किया वहां पे आपका काम बंद हो जाएगा, बट किसी भी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ही नहीं होता। तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है और अगर आप जंप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री है, राइट। अब जॉब के मैं बहुत ज्यादा लूपहोल्स बताता हूँ आपको कि राइट, और जॉब के इसलिए मैं लूपहोल्स बता सकता हूँ क्योंकि मैंने एंटायर टाइम जो है वो बिजनेसेस किए हैं। मैंने एक सर्टेन टाइम के लिए एक सर्टेन कंपनी में जॉब किया था सिर्फ, लेकिन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस लेने के लिए उसके टॉप मैनेजमेंट में मैंने काम किया। आप अगर फेसबुक के टॉप एम्प्लॉयज भी हैं तो कोई आपको फेसबुक उसके बाद में आपके लेट से आप नहीं रहते हैं एक सही एक समय के बाद में तो फेसबुक आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देगा, गूगल आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देगा, वर्ल्ड की टॉप कंपनी भी आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देगी कि आपकी फैमिली सिक्योर रहे। जिस दिन आपकी जॉब खत्म उस दिन आपका इनकम सोर्स जो है वो खत्म, राइट। इसके बाद में ओनरशिप आपकी नहीं है, ओनरशिप कंपनी की है। आपका टाइम जो है वो कंपनी के थ्रू खरीदा गया है टाइम, राइट, वो आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपको पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका टाइम और आपकी एक्सपर्टीज यूज की जाए उनके ब्रांड को डेवलप करने के लिए, राइट। और ये कभी भी राइट तरीका नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अगर आप चाहते हैं, आप अगर आपको लगता है, जैसे आप मैं कोई एक एग्जांपल आपको देके समझा के बताता हूं। जब कॉमेडी नाइट्स स्टार्ट हुआ था, कपिल शर्मा का शो स्टार्ट हुआ था, तो वो जिस शो से विनर बन के निकला था, ठीक है, उस शो में बहुत सारे दूसरे कॉन्टेस्टेंट भी थे जो उसी शो से जो है विनर बने थे और जो जो अच्छा कॉमिक टाइमिंग रखते थे और अच्छे से जो है कॉमेडी करते थे। बट उसके साथ में प्रॉब्लम क्या हो गया, बाकी के सारे लोग जो है अपने टैलेंट को किसी प्रोडक्शन हाउस के थ्रू बेचने को रेडी थे, लेकिन कपिल शर्मा ने डिसाइड किया कि वो खुद के प्रोडक्शन पे खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा और कपिल शर्मा शो या इसके पहले के जो कॉमेडी नाइट कपिल जो स्टार्ट हुआ था वहां से स्टार्ट करेगा। तो ये डिफरेंस है, आपके ऊपर है। आप बाकी के जो 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 जितने भी ये चल रहे हैं जो लॉफिंग एक्सपर्ट्स हैं या आप जो भी बोल रहे हैं, आप जितने कॉमेडियंस हैं, राइट, जितने कॉमेडियंस हैं आप उनके तरीके से बनना चाहते हैं या कपिल शर्मा के तरीके से बनना चाहते हैं। अगर आपको कपिल शर्मा बनना है तो आपको आपके स्किल को खुद को बेचना आना चाहिए, आपके आपको स्किल को आपके आपको आपके स्किल पे खुद पे बिजनेस करना आना चाहिए, राइट। तो ये होता है अपने टैलेंट की ओनरशिप लेना। जैसे कि हमारे सेशन में अभी शायद से विशाल जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि प्रायोरिटीज डिफाइन करो। है तो आपके पास में वही चीज, मेरे पास में भी वही चीज है। मेरे पास में उस टाइम पे कॉलेज में भी वही चीज थी, उस टाइम पे मेरी सराउंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा मेरे को डायवर्ट कर रही थी, लेकिन मेरा फोकस क्लियर था। मुझे लगना था कि यार अगर मैं वो काम करूंगा तो हो सकता है 10 साल बाद मैं पछताऊंगा, तो वो 10 साल बाद ही सोच रख के मैंने शायद से ये फील्ड चूज किया। लेकिन ये फील्ड में ऐसा है कि जो भी जितना भी जैसा भी कमा रहे हैं ना हम लोग, हाईली सेटिस्फाइड
सेटिस्फाइड है, हाईली सेटिस्फाइड। इतना आया है कि हम लोग बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देखेंगे तो रितेश रंगारे के नाम से मेरा चैनल है, उसके थ्रू करीब लाखों लोगों की जो है लाइफ चेंज हुई है। बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और रेगुलर सेशंस ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है उनके थ्रू चेंज हुई थी। ये सारी चीजें जो है वो किसी भी हाल में जॉब में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जनरेशन और फैमिली सिक्योरिटी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिजनेस में भी, अगर मैं आपको बिजनेस में भी बताऊं, इन दोनों कैटेगरीज में है ना, इंटरनेट बिजनेस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्किल बेस्ड बिजनेस है। अगर आपका स्किल खत्म, इट मींस आपका बिजनेस खत्म। ट्रेडिशनल बिजनेस में, अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस को इस फॉर्म में लेके आना है कि आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी दे सको या लोग आपकी ब्रांड की फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप डिमांड करें, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपका ब्रांड वेल नोन ब्रांड होना चाहिए। और वेल नोन ब्रांड बनने के लिए आपको अराउंड 50 to 100 ईयर्स देने पड़ेंगे, जैसे रिलायंस ने दिया, जैसे टाटा ने दिया, जैसे बाकी के सारे बड़े ब्रांड्स ने दिया। तब जाके लोग उनकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए पागल होते हैं और नेशनल डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो है वो लेते हैं। तब जाके उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है और इस सिस्टम के थ्रू वो पैसा बना रहे। अदरवाइज आप छोटे कितने भी बिजनेस कर ले, आप एक पिन कोड के बिजनेस तक लिमिटेड रह जाएंगे। लेट मी रिपीट दिस, आप एक पिन कोड के बिजनेस तक रिपीट रह जाएंगे। यहाँ पे भोपाल में मैं रहता हूँ, भोपाल का सबसे बड़ा जो मॉल है वो मॉल है डीबी मॉल। वो मॉल भी कितना भी बड़ा मॉल हो जाए, लेकिन ना वो मॉल एक पिन कोड तक लिमिटेड है। किसी भी हाल में उस मॉल को स्केल नहीं किया जा सकता। उसमें जो सर्टेन शॉप्स हैं, शॉप्स लिमिटेड हैं। उसमें जो सर्टेन ट्रैफिक आता है कस्टमर्स का, वो कस्टमर्स लिमिटेड हैं। वो कस्टमर्स भी नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। वो शॉप्स जितनी बनी हुई है वो शॉप्स भी नहीं बढ़ाई जा सकती है, राइट। तो ये डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। इंटरनेट बिजनेस का एडवांटेज ये मिल जाएगा आपको कि आप स्केल कर सकते हो, ई कॉमर्स में जा सकते हो, आप स्केल कर सकते हो इंटरनेट में, आप नेशनल जा सकते हो, इंटरनेशनल जा सकते हो। जैसे हमारा एक ब्रांड है द बघीरा स्टोर, तो हम लोगों ने उसको इंटरनेशनल भी स्केल किया हुआ है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन स्केलिंग में, ट्रेडिशनल बिजनेस की स्केलिंग में या इंटरनेट बिजनेस की स्केलिंग में एक मेजर लूप होल शामिल होता है, वो होता है फंड का रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। सिंपल सी चीज है कि अगर आपको एक दुकान ओपन करनी है, आपको 50 लाख रुपए लगा हुआ है, अगर आपको उस एक की 10 दुकान करनी है तो 50 लाख इंटू 10 कम से कम आपको 5 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप उस बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है कि आप उसकी डिमांड इतनी बढ़ाओ 50-100 साल में कि लोग उसकी फ्रेंचाइजी उठाए, तो आप उसकी 1 to 10 शॉप कर सकते हो। इसी को अगर आपको नेशनल लेके जाना है तो उन सिटीज में रेप्लीकेट करने के लिए, जैसे आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, जोमेटो का, ओला का, उबर का, तो ये जब स्टार्टअप ब्रांड स्टार्ट हुए थे और इन स्टार्टअप ब्रांड को जब स्केल करना स्टार्ट किया गया था, राइट, तो एक एक सिटी में स्केल करने का फंड रिक्वायरमेंट अराउंड 100 crore to 1000 crore जाता है। डिपेंड करता है कि सिटी करता हूं। तो स्टार्टअप बिजनेस में वेंचर कैपिटल फंड का रोल होता है और वेंचर कैपिटल फंड आपका, हेलो, ओके, तो वेंचर कैपिटल फंड आपका सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज पे आता है, इफ यू आर एक्सपर्ट इन पिचिंग। अगर आप पिचिंग में एक्सपर्ट है, अगर आपने एक शो देखा होगा शार्क टैंक के नाम से एक शो आता है जहां पे ऑन स्पॉट जो फंडिंग वगैरह दी जाती है और उसमें इक्विटी नेगोशिएशन, आपको प्रॉपर फाइनेंशियल का गाइडेंस होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजों की। अगर आपने इलॉन मस्क का नाम सुना हो, मार्क जकरबर्ग का नाम सुना हो, तो इन सभी लोगों ने अपने बिजनेस मॉडल को अगर जीरो टू इन्फिनिटी स्केल किया है ना, तो उसमें ह्यूज फंड डायल्यूट हुआ है। फेसबुक में, सॉरी, फ्लिपकार्ट में रीसेंट जो वॉलमार्ट का इन्वेस्टमेंट हुआ था वो अराउंड कुछ लाख करोड़ रुपए था, जो कि इंडिया के अब तक के जितने भी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट हुए थे उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था, राइट। तो ये कब पॉसिबल हो पाया था, ये तब पॉसिबल हो पाया था जब उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक आइडिया पे काम किया था, ठीक है। तो इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं, ये चीजें हम लोगों ने करके देख ली है, लेकिन दोनों केसेस में मैं एक छोटा सा काम नहीं कर पाया, वो काम था स्केल करना। मैं उस बिजनेस को किसी भी हाल में स्केल नहीं कर पाया, राइट। तो आपको जॉब्स के बारे में मैं बता चुका हूं। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम से पैसिव इनकम बनाने की। तो मतलब आपके पास में तीनों तरीके हैं, आइदर आप जॉब कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, इंटरनेट बिजनेस, और हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बताया है, राइट। तो इसमें एक बिजनेस जो है वो कहलाता है सिस्टम बेस्ड बिजनेस। सिस्टम बेस्ड बिजनेस का मतलब होता है एक ट्रेडिशनल बिजनेस को एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जब आपके पास में मैन पावर हो, जब आपके पास में डिमांड हो उसको की फ्रेंचाइजी की या उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप बनाने की, और उसको एटलीस्ट 50 to 70 ईयर्स का टाइम चाहिए, 50 to 70 साल, उसके पहले टाइम नहीं हो पाएगा। जॉब में किसी भी हाल में पैसिव इनकम नहीं बनाया जाता। पैसिव इनकम का मतलब क्या है, जब तक आप काम करोगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, वो हो गया एक एक्टिव
इनकम, राइट? पैसिव इनकम क्या है? आपने एक सिस्टम डेवलप कर लिया, अब ऐसा है कि आपके पास में, मेरे पास में, दुनिया के हर व्यक्ति के पास में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे, मतलब अंबानी के पास में भी 24 घंटे हैं, मेरे पास में भी 24 घंटे, आपके पास में भी 24 घंटे, इसमें अगर वर्किंग आवर्स निकाल लिए जाए तो हमारे पास में 8 से 9 घंटे के आसपास में वर्किंग आवर्स है, राइट? तो इन 9 घंटे को किसने 90 घंटे में कन्वर्ट किया है, किसने 9000 घंटे में कन्वर्ट किया है, किसने 9 लाख घंटे में कन्वर्ट किया है, या किसने 90 लाख घंटे में कन्वर्ट किया है, जिसने जितने ज्यादा घंटों में वर्किंग आवर्स में कन्वर्ट किया हुआ उसको या उसको डबल किया हुआ है ना, वो व्यक्ति उतना बड़ा पैसिव इनकम बन रहा है। बहुत सिंपल सा फंडा है, राइट? उसका तो जितने भी लोगों ने इस सिस्टम को, जितने भी लोगों ने इस सिस्टम को जितने बड़े वर्किंग आवर्स में कन्वर्ट किया हुआ है, और जॉब में आप किसी भी हाल में 9 घंटे के ऊपर काम नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ कंपनीज आपसे 12-12 घंटे भी काम लेती हो, दैट डिफरेंट टास्क, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी हाल में काम नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में मैंने बता चुका है, दुकान में जब बैठोगे तब पैसा मिलेगा, दुकान आप बंद कर दो आपका पैसा आना बंद हो जाएगा, राइट? ट्रेडिशनल बिजनेस में दूसरे, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है उसके बारे में, फ्रेंचाइजी क्रिएट करनी है, तो बहुत लंबी जर्नी है, आपकी जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन आप काम नहीं कर पाओगे। तो कोशिश क्या करो, जब भी आप बिजनेस बना रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, नो मैटर, आप किसी भी हाल में एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस बनाने की कोशिश करो। जिस दिन आपने एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस बना दिया, उस दिन आप उसका मैजिक देखना स्टार्ट करो। और सिस्टम बेस्ड बिजनेस एक दिन में नहीं बनेगा, आपको मेहनत लगेगी, और ये राइट एज है आप लोगों की, राइट? अभी पूरे के पूरे स्टूडेंट्स यहां पे बैठे हुए हैं, आपकी एज हार्डली 18, 19, 20 या फिर 21 के आसपास होगी, लेकिन सभी लोगों के पास में एक चीज है जो हम में से बाकी किसी लोगों के पास में नहीं है, और जो हम में से कोई भी व्यक्ति सही टाइम पे नहीं कर पाया था, वो चीज है आपकी एज। आपके पास में टाइम है, आपके पास में, हम लोग अगर लर्निंग्स दे रहे हैं तो उन लर्निंग को डुप्लीकेट करके इमीडिएट इंप्लीमेंट करने का ये है, अपने पास में समय बचा हुआ, राइट? अभी हमारे पास में वो समय नहीं है, तो अगर आप सिस्टम बनाना अभी से स्टार्ट करते हो, तो आप एटलीस्ट 3 to 5 years में एक सिस्टम बना लोगे, और उस सिस्टम से लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे, राइट? तो सिस्टम बेस्ड बिजनेसेस मैंने आपको समझा दिए हैं कि फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट, यूनिक स्टार्टअप आइडियाज हो गया है, या डायरेक्ट सेलिंग हो गया है। तो इतने ही तरीकों से आप सिस्टम बेस्ड बिजनेस बना सकते हो, तो चॉइस कंप्लीटली आपकी है। इसके बारे में हम लोग एक डिटेल सेशन, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप एटलीस्ट जो है अपने साथ के 10 एंटरप्रेनर्स जो बिजनेस में सीरियस इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोग नहीं जो टाइम पास के लिए यहां पे आ रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे स्पीकर्स का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं। इफ यू आर रियली सीरियस दिस अपॉर्चुनिटी, तो उतने ही सीरियस लोगों को आप लेके आइए, और इसके बारे में हम लोग एक डिटेल मेंटरशिप प्रोग्राम करेंगे। इसके लिए आपको अगर एक फेसबुक ग्रुप बनाना है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, जो भी करना है, अजय जी से कोऑर्डिनेट कीजिए, अजय जी किस तरीके से इस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और ओवर टू अजय सर और होस्ट। थैंक यू सो मच ऑल। ओके, आई थिंक अजय, विक्रम और होस्ट दोनों जो है नेटवर्क इश्यू फेस कर रहे हैं, राइट? तो लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ओके, ये भी नहीं है, और जसजीत जी, ओके, अजय को एक बार लाइन पे ले लीजिए, और उसके बाद में उन्हें बता दीजिए कि इसे वाइंड अप करते हैं सेशन को। ओके, तो मैं कंक्लूड कर देता हूं। वैसे तो मुझे नहीं पता है कि अजय ने किस तरीके से आपसे बात की थी, राइट? तो आप कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके से, अजय जी का आपके पास में नंबर है, हम लोगों ने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था। हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश है कि जितने भी नेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, और हमारे पास में सिखाने को हजारों चीजें हैं, मतलब इस लेवल की स्किल्स है, इस लेवल की ट्रेनिंग से, इस लेवल के प्रोग्राम्स है, आपको ड्रॉप शिपिंग पे बात करनी है, फेसबुक मार्केटिंग पे बात करनी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बात करनी है, आपको खुद का ब्रांड डेवलप करना है, स्टार्टअप ब्रांड डेवलप करना है, या जो भी करना है, वो सारे टूल्स एंड ट्रिक्स हमारे पास में। इससे होगा क्या, इससे आपका टाइम बचेगा, इससे हमारा क्या एडवांटेज, हमारा कोई एडवांटेज नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट है कि हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम कुछ सर्टेन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कितने ज्यादा को इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये हम लोग अपनी तरफ से एटलीस्ट इनपुट दें, ताकि आपको इसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, आपको, आप कभी भी किसी तरीके से मिसगाइड ना हो। और बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक राइट प्रोफाइल के थ्रू आप ये सारी चीजें हैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें, ताकि आप मिसलीड होने से बचे, राइट? तो अजय, बाकी ओवर टू यू, आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, बाकी आप कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? ओके, तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया हो गया, ब्रीफ आइडिया हो गया होगा। तो अगर आप लोग माइंड एंटरप्रेन्योर का हिस्सा बनना चाहते हैं, माइंड एंटरप्रेन्योर जैसे मैंने जो भी चीजें मैंने बताई थी वैल्यू पर लेना चाहते हैं, तो ये मैंने एक फीडबैक फॉर्म में शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं माइंड एंटरप्रेन्योर का। और अगर आप यही वाला रितेश सर के द्वारा, जिस सर ने अभी सेशन लिया, रितेश सर के द्वारा अगर आप उस वेबिनार को भी अटेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा क्या आप अटेंड करना चाहते हैं, यस और नो, तो आप लोग उसको भी भर सकते हैं।
और हम अगर नेक्स्ट टाइम जैसे रितेश सर का एक नेक्स्ट वेबिनार होगा तो हम लोग आपको इन्वाइट करेंगे और उसके लिए हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे। ये फॉर्म दिया गया है आपको, आप हमें भर सकते हैं। और अगर आप लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर जर्नी को नहीं शुरुआत करना चाहते, तो आप लोग जस्ट हमारे माय एंटरप्रेन्योर का हिस्सा बन के ओके, बहुत लोगों ने फीडबैक बनना स्टार्ट भी कर दिया, रिस्पॉन्सेज आने लगे ओके, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फीडबैक फॉर्म आप सब लोगों को मिल गया होगा चैट बॉक्स पे, आप लोग चैट बॉक्स पे फीडबैक फॉर्म को भर के आप लोग नेक्स्ट वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर माय एंटरप्रेन्योर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो माय एंटरप्रेन्योर के जो भी चीजें आपको प्रोवाइड होने वाली है, हमारी फ्री मेंटरशिप ट्रेनिंग्स और पॉडकास्ट ई बुक्स जितनी भी चीजें आपको अवेलेबल होने वाली है, हम लोग सून आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। ओके, होप सभी ओके। आप लोग यहाँ पे भी चैट बॉक्स में अपना फीडबैक छोड़ के जा सकते हैं कि आप लोगों को सीखने कैसा लगा, आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एड हुई या नहीं हुई। और लास्ट में मैं सभी जितने भी स्पीकर्स थे, जितने भी ओके थैंक यू सो मच सर, जितने भी स्पीकर्स थे उन्होंने अपना समय दिया, इतना टाइम दिया और आप लोगों ने इतना समय दिया, इतने ध्यान से, इतने पेशेंस से उसको सुना और शायद से कुछ ना कुछ सीखा, तो सबके लिए थैंक यू सो मच। और हम यहीं पे वेबिनार को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।